आज के लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने तो ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखे हुए हैं, ठीक है। कुछ एक छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब वैसे कोई कन्वेंशनल मेथड से करोगे थोड़ा सा लेंथी तो होगा ही। मैं आपको कन्वेंशनल मेथड से भी करके दिखाता हूँ, फिर एक ट्रिकी वे से भी करके दिखाते हैं, ठीक है। इसमें आपको तीन ब्लॉक्स दिखा रखे हैं, तीन ब्लॉक्स के लिए आपको मास्टर्स दे रखा है, एम ए एम बी एम सी इज गिवन, एंड आपको पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी, ब्लॉक बी की एक्सेलरेशन कितनी आएगी, आपको ये फाइंड करनी है। अब कन्वेंशनल तरीके से एक बार करके देखते हैं कि उसमें क्या क्या हमें करना पड़ता है, व्हाट व्हाट डू वी नीड टू डू इफ वी फॉलो जस्ट कन्वेंशनल मेथड। तो अगर हमें क्या करना है तो क्या करेंगे, सबके एक्चुअल वेट दिखाते हैं। सबसे पहले बी की वेट कितनी है आपकी, 4g की आएगी। सी की वेट कितनी है आपकी, 12g की आएगी। इधर से एक टेंशन टी आएगा, इधर से भी एक टेंशन टी आएगा, और फिर यहाँ पे ये 2t हो जाएगा, और वही 2t आपका इधर से एड करेगा, ठीक है। तीन ब्लॉक है तो तीन एक्सेलरेशन भी होंगे, तो मैं ब्लॉक बी ब्लॉक सी की एक्सेलरेशन नीचे की तरफ मान लेता हूँ। तो ये मैंने चूज कर लिया ब्लॉक बी के लिए A2, ब्लॉक सी के लिए चूज कर लिया A3, एंड ब्लॉक ए के लिए चूज कर लिया A1। सो द नंबर ऑफ वेरिएबल्स दैट आर चोजन इन द डायग्राम इज क्लियरली 4। तो 4 वेरिएबल्स मतलब A1 A2 A3, ये तीन वेरिएबल हो गए, और एक टेंशन के लिए टी यूज किया है। तो दिमाग में तुरंत आपके आना चाहिए कि चार वेरिएबल के लिए चार इक्वेशन चाहिए। चार इक्वेशन कहाँ से आएंगे, एक तो ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम होगा, एक ब्लॉक बी बॉडी डायग्राम होगा, एक ब्लॉक सी का फ्री डायग्राम होगा। तीनों फ्री बॉडी डायग्राम से डायनामिक्स इक्वेशन नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो वहां से तीन इक्वेशन मिल जाएंगे। अब जब आपने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिया, इक्वेशंस भी कर लिए, अब आपके पास तो एग्जॉस्ट हो गया, आप तो और कोई एक्स्ट्रा कुछ इक्वेशंस लिख नहीं सकते। आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताई थी कंस्ट्रेंट, गुड वेरी गुड। आपके पास जब भी इक्वेशन कम पड़ जाती है अगर लॉज ऑफ मोशन में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखनी है कि कंस्टेंट रिलेशन भी होगा, मतलब A1 A2 A3 के बीच में एक रिलेशन भी होगा। A1 A2 A3 के बीच का रिलेशन तो बिल्कुल वन लाइनर है ये, तो आई होप आपको याद हो। A1 will be equal to A2 plus A3, याद है आपको ये वाला, याद है आप सभी को, टेंशन के कोफिशिएंट से एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करिए, डॉट प्रोडक्ट लीजिए, इक्वल टू जीरो करिए, राइट, है ना। सो अगर मैं 2t into A1 करूं, ये प्लस के साथ रहेगा, प्लस t into A2 with a negative sign क्योंकि opposite direction में, plus t into A3 with a negative sign क्योंकि opposite direction में, this will be equal to zero। तो यहाँ से आपको मिल रही है कि twice of A1 is equal to A2 plus 3। expect ये तो मतलब आपको याद भी रहना चाहिए। तो ये हो गई आपके acceleration की constant relation। अब free body diagram से equation से करके सबसे पहले block A के लिए लिख लेते हैं। block A का mass आपका 6 kg का है, so 2t should be equal to 6 times of acceleration A1। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई है, ये एफबीडी ऑफ ए से है, ठीक है। अभी बी के लिए लिख रहे हैं, बी के लिए वही चीज अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, 4g नीचे की तरफ है और टेंशन ऊपर की तरफ है, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, 4g माइनस ऑफ टेंशन टी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ A2। आप इसको वैसे भी लिख सकते थे, टेंशन इक्वल टू एम इन टू जी इफेक्टिव पे लिख सकते थे, ठीक है। टेंशन इक्वल टू एम इन टू जी इफेक्टिव करते तो सिंस एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है A2, तो इसे जी माइनस ए हो जाता, तो टी वुड हैव बीन 4 इन टू जी माइनस A2 लिख लेते, तो वहां से भी एक ही बात होगी। अब ब्लॉक सी के लिए लिखें, ब्लॉक सी का वेट मास है 12 kg, सो उसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम लिखेंगे तो 12g माइनस टी विल बी इक्वल टू 12 इनटू A3। दीस आर द इक्वेशन यू हैव, इक्वेशंस में आपका वेरिएबल को सॉल्व करने का आंसर लेगा। इनको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका कौन सा होगा, सबसे आसान तरीका कौन सा है, इमीडिएटली कौन बता सकता है कि इसको इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, क्योंकि चार वेरिएबल है सॉल्व करने का इतना आसान काम नहीं है, टाइम तो लगेगा। अगर आप कुछ अच्छी चीज नोटिस नहीं कर सकते तो फिर टाइम बेसिक ज्यादा लग जाएगा। सबसे आसान तरीका कौन सा होना चाहिए, कंबाइन मास, नहीं सॉल्व करने का तरीका, मैं बोल रहा था सॉल्व करने का तरीका, इन चार इक्वेशंस को सर अगर हम 2 3 और 4 को ऐड कर दे तो टी तो एलिमिनेट हो जाता है, और A2 और A3 के टर्म्स में A1 को लाएंगे तो वो सिंगल इक्वेशन हो जाएगा, A1 को निकल जाएगा इजीली। सिंगल इक्वेशन कहां होगा बेटा, अगर आपने सेकंड थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को ऐड किया, अगेन यू हैव अ रिलेशन बिटवीन A1 A2 एंड A3, एंड पहले भी आपके पास A1 A2 A3 के बीच का ही रिलेशन है। नो सर, हम A2 और A3 का जगह A1 को रिप्लेस कर देंगे तो वो वहां से A1 का वैल्यू आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ जी। थोड़ा लंबा होगा इससे, इससे बेटर क्या है देखो, अगर आपके तो आपको ऑलरेडी A1 A3 का रिलेशन पता है, नाउ सेकंड थर्ड और फोर्थ इक्वेशन देखोगे तो उस तीनों इक्वेशन में आपके पास A1 इन टर्म्स ऑफ टी पता है, A2 इन टर्म्स ऑफ टी पता है, A3 भी इन टर्म्स ऑफ टी पता है। तो हम डायरेक्टली अगर A1 A2 A3 तीनों का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी लिख लें तो एक लाइन में मुझे टेंशन मिल जाएगा, ये रियलाइज कर पा रहे हैं आप, यस। तो ये सबसे आसान तरीका होता, तो मैंने इसी इक्वेशन से अपने क्या कर रहा हूं, यहां पे देखो प्रोसीड कर रहा हूं। सो 2 टाइम्स ऑफ A1, A1 की वैल्यू मैंने लिखी t/3 है,
will be equal to a2. a2 ka value likha humne g minus of t/4 ho jayega. And plus a3 ka value likha hai. a3 ka value will be g minus of t/12. देखो ये आसान हुआ है नहीं हुआ आप खुद ही सेट चेक करके देखो टेंशन तुरंत ही मिल गई आपको सो इन बाकी टर्म्स को रीअरेंज करके चले आते हैं तो टेंशन टी को हम कॉमन कर ले तो हमारे पास वैल्यू आ रही है आपके पास 3, 4, और 12 का एलसीएम मतलब 12 ही हो जाएगा 4 × 2 = 8 + 3 + 1 = 2g 4 और 12 ये तो कैंसिल आउट हो गया तो टेंशन की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी टेंशन की वैल्यू आ गई है 2g आ गई है दिख रही है आपको टेंशन हैज कम आउट टू बी 2g मतलब हमारा चोजन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या है सही है सो जी बाई टू एक्सेलरेशन से वो नीचे की तरफ जा रहा है देखने में लग रहा था चार इक्वेशन काफी लंबा काम है सॉल्व करना बट तुम देखो जैसे ही तुमने इंडिविजुअली a1 a2 a3 को t के टर्म्स में डाला तो काम कितना आसान हो गया आई होप सबको समझ आ गया है सर ठीक हां बोलिए बेटा सर इन दिस फिगर द मूवेबल पुली इज इट गोइंग डाउन सर मार्क एक्सेलरेशन इज लाइक डाउनवर्ड्स यस इट जो पुली मूवेबल पुली है वो तो नीचे जाएगा ही क्योंकि वो तो कंस्ट्रेंट है वो तो ब्लॉक ए से कनेक्टेड है तो ब्लॉक ए अगर राइट की तरफ जाएगा तो पुली तो नीचे जाएगा ही जाएगा सर देन इन दैट पर्टिकुलर मूवेबल पुली वोंट द सी गो डाउन एंड बी मूव अप मींस दैट केस वोंट अकर कौन पूछ रहा है ये डाउट मुझे बताएगा एक बार शोमदीप यार ये तो कंस्ट्रेंट रिलेशन में बेटा हमने बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे कर चुके हैं हम लोग फिर वापस से हम क्यों जा रहे हैं ये चीज मैंने समझाया था आप लोगों को कि अगर आप पुली पे फिक्स करके अपने आप को देखोगे तभी तो ये बात बोलोगे कि हाँ एक नीचे जा रहा है दूसरा ऊपर जा रहा है अगर पूरा का पूरा फ्रेम ऊपर जाए या पूरा का पूरा फ्रेम नीचे जाए तो क्यों बोलेंगे कि हाँ एक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा कंस्ट्रेंट हो जाएगा ये तो वापस पीछे जाने के जैसा होगा ना कि हम पीछे जाके बार बार तो चीजों को रिवाइज नहीं कर सकते ना आप तो पीछे के कंस्ट्रेंट रिलेशन तो आप देख के आए एडवांस क्लास है तो ये आप पूछेंगे ये सब में अच्छा खासा टाइम इन्वेस्टेड है अगर नहीं पढ़ाया होता मैंने तो फिर मैं इतना यू नो ये बात नहीं बोलता आपको पुली फिक्स होती है तब आप बोलते हैं कि हाँ ठीक है एक नीचे जा रहा है तो दूसरा ऊपर आ रहा है पुली खुद ही मूव कर रहा है तो कैसे बोलेंगे कि एक नीचे जाएगा दूसरा ऊपर आएगा अगर एक नीचे जा रहा है पुली के रिस्पेक्ट में 2 मीटर दूसरा ऊपर आ रहा है 2 मीटर अगर मैंने पुली को 4 मीटर ऊपर शिफ्ट कर दिया तो क्या बोलोगे एक नीचे जाएगा दूसरा ऊपर जाएगा ये क्या बात है चलो ठीक है अभी इसमें जो इम्पोर्टेंट बात मैं सिखाने वाला था वो आपको ये सिखाने के लिए नहीं किया था ये तो ठीक है कन्वेंशनल तरीका आपको बुक्स में सॉल्व करने का यही दिखेगा बट ठीक है इसमें कुछ गलती नहीं है क्योंकि इसको भी सॉल्व करने के लिए आपको देखो एक स्किल तो सिखाया आपको कि आप कैसे चार वेरिएबल को भी आप एक जल्दी से इक्वेशन सॉल्व कर पा रहे बट मैं इसको ऐसे नहीं करता मैं क्या करूंगा देखो एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क है देखो अगर मैं इसको एक आउटपुट मशीन अरेंजमेंट से अगर कंपेयर करता हूँ ठीक है मैं क्या करूंगा अभी देखना केयरफुली देखना मेरे पास सपोजली पुली है और इस तरफ हमने ये मासेस को लटका रखे हैं ये मान लो मास M1 है और ये मास M2 है आपको याद है इसमें टेंशन कितनी जनरेट होती है कनेक्टेड टू द ब्लॉक्स यहां पे टेंशन इसमें क्या g की जगह g इफेक्टिव यूज कर सकते हैं टेंशन के क्वांटिटी g इफेक्टिव क्या यूज करेंगे मतलब g इफेक्टिव वो जो सेकंड पुली है उसका जी एफेक्टिव के लिए भी तो आपको इंडिविजुअल एक्सेलरेशंस निकालने पड़ेंगे ना बेटा नहीं सर मैं बोल रहा हूँ कि पुली एयर फोर्स मशीन में तो पुली फिक्स्ड होता है बट इस केस में हमारा सेकंड पुली फिक्स नहीं है यस गुड सो सेकंड पुली अगर फिक्स नहीं है उसके कोई एक्सेलरेशन होगा हां बिल्कुल उसके एक्सेलरेशन को यूज करके अगर हम एक जी एफेक्टिव निकाले उसका पुली के सिस्टम का और वो जी एफेक्टिव को एयर फोर्स मशीन के फार्मूले में यूज करें आप देखो उससे सिमिलर काम ही करने वाला हूँ जैसे एग्जीक्यूशन पार्ट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो ये टेंशन की वैल्यू अगर आपको याद हो तो हमने ये
मैंने आपको बोला भी था ये याद रखने के लिए, आपको याद है 2m1m2/m1+m2g याद है आपको ये रिजल्ट? यस सर। ओके, अब यहां का टेंशन कितना होगा? 2t होगा ना, राइट? tt का डबल कर दिया 2t हो गया। इसका मतलब दिस इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू, अगर मतलब मुझे ऐसा सिचुएशन एनालाइज करना हो जहां पे एक पुलिस है, अगर एक मतलब एक पुलिस से दो मासेस अलग अलग लटके हुए हैं, तो मैं डायरेक्टली एक सिंगल ब्लॉक उसको इमेजिन कर सकता हूँ और इसको मैं एक इफेक्टिव मास की तरह लिखता हूँ। दिस इज एम इफेक्टिव, ठीक है, इफेक्टिव मास। तो ये जो एम इफेक्टिव है, इस एम इफेक्टिव की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अब ये सोच के बताओ मुझे। यहाँ का जो टेंशन है वो एग्जैक्टली कितना होना चाहिए? 2t होना चाहिए। समझ आ रही है आपको? आपको बात समझ आ रही है? ठीक है, जो जो सीलिंग से जो स्ट्रिंग अटैच है उसका टेंशन मेरे को 2t चाहिए। तो 2t की वैल्यू को आप कितनी लिखोगे? m into g effective लिखोगे ना, m effective into g लिखोगे। अब m effective की वैल्यू क्या लिखोगे वो सोच के देखो। m effective into g, इसको मैंने 2t लिखा और 2t हमने पहले कैलकुलेट कर लिया, ये कितना हो जाएगा 2 times of, कितना हो जाएगा 2m1 m2 by m1 plus m2 and that multiplied with g हो जाएगा। g तो गया यहाँ से, and देखो अगर आप देखोगे तो m effective आपको मिल चुका है। m effective is coming out to be 4 times of m1 m2 by m1 plus m2 into g आ जाएगी। आपको बात समझ आई है? इसका मतलब है कि जो ये जो एक पुलिस से जो दो ब्लॉक लटकी हुई है उसका इफेक्ट को एनालाइज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक सिंगल ब्लॉक रिप्लेस कर सकते हैं जिसकी मास कितनी है 4m1 m2 by m, जी नहीं होगी, 4m1 m2 by m1 plus m2 है, ठीक है? ये कांसेप्ट को अब मैं यूज करूंगा, देखो हमारे क्वेश्चन के लिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को यूज करेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अब हमारे पास जो क्वेश्चन था उसको जस्ट रीअरेंजमेंट में मैं ये यूज कर रहा हूँ। जस्ट रीड्रॉ दिस डायग्राम, ये सारे वेरिएबल सभी फिलहाल के लिए हटा देता हूँ क्योंकि मार्किंग पिछले वाले डायग्राम का था। अच्छा ठीक है, इसको रहने देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज को डाल देता हूँ, जितने मासेस आपको दिए हुए वो वैल्यूज लिख देता हूँ। यहाँ पे था शायद 6 kg, 4 kg, 12 kg, तो दिस इज 6 kg, this is 4 kg and this is 12 kg, ठीक है? अब मैं कह रहा हूँ कि अब आप क्या करो, इस सिचुएशन को जस्ट इससे कंपेयर करो। I'm saying that this is equivalent to, यहाँ पे बस मैंने क्या किया, इसको हटा दिया और यहाँ पे एक सिंगल ब्लॉक डाल दे रहे हैं और ये सिंगल ब्लॉक की मास अपनी एम इफेक्टिव होगी और एम इफेक्टिव की वैल्यू अपनी अपने कैलकुलेट करी थी। एम इफेक्टिव वाज 4 टाइम्स ऑफ m1 m2, सो 4 into 4 into 12 डिवाइड बाय 4 plus 12 व्हिच इज 16 और ये हो गया आपका 12 into 3 हो जाएगा, ये आ रही है 6 क्या कुछ, अच्छा एक कुछ वो क्या करते हैं, ये क्या किया मैंने, मतलब कि 4 एंड 12 kg को हटा के हम क्या रिप्लेस कर सकते थे, एक सिंगल 12 kg रिप्लेस कर सकते थे। तो इसका मतलब यहाँ पे बेसिकली आपको क्या इमेजिन करना है कि 12g का बेसिकली क्या है, वेट एक्ट कर रहा है, राइट? तो क्या आप इसकी एक्सेलरेशन वन लाइन में फाइंड आउट कर सकते हैं? कैन यू फाइंड आउट दिस एक्सेलरेशन इन वन लाइन? ना ये जो a1 है, ये तो एंड टू एंड कनेक्शन है ना, एंड टू एंड कनेक्शन है या नहीं है? यस यस सर। एंड टू एंड कनेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? ये एक्सेलरेशन अगर a1 है तो पता है इसकी एक्सेलरेशन भी a1 ही रहेगी। अब ये a1 की वैल्यू कितनी होगी, नेट पुलिंग फोर्स व्हिच इज 12g डिवाइडेड बाय टोटल मास व्हिच इज 12 एंड प्लस 6, करेक्ट है? आई होप आपको समझ आ रही है। यस सर। ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, दिस इज कमिंग आउट टू बी 6 into 2, 2g divided by 3 आएगी, correct है? Yes sir. 12 by 3, 2g का acceleration is effective, किसका है? इस block का है, ठीक है? अब जैसे इस block का आपको ये मिल गया, acceleration मिल गया, तो यहाँ का tension हम find कर सकते हैं क्या? ये जो 2t हमने लिखा है, क्या हम ये 2t को find कर सकते हैं? ये 2t find कर सकते हैं? तो 2t की value कितनी होनी चाहिए? This should be equal to 6 times of 2g by 3, करेक्ट है?
करेक्ट है? yes, अगर आप नोटिस करो ये टू गया यहाँ से और ये थ्री आपका इधर टू से गया, तो टेंशन की वैल्यू अगर आप चेक करोगे टू जी आ चुकी है। देखो वहां पे टेंशन आपने कितना निकाला था, देखो तो कितना निकाला था टेंशन, चेक करो 2G. कितना आया था टेंशन, 2G आया था। यहाँ पे हमने चार इक्वेशन को सॉल्व करके 2G निकाला था, और यहाँ पे देखो हमने कुछ भी इक्वेशन को सॉल्व करके नहीं निकाला, डायरेक्टली बस निकल गया टेंशन, दिख रही है? और एक बार टेंशन मिल गया उसके बाद हम क्या करेंगे, पिछले वाले सिचुएशन में चले जाएंगे, क्योंकि अपने को एक्सेलरेशन को किसका फाइंड करना था, 4kg का। तो 4kg का जैसे ही एक्सेलरेशन निकालना है, अब हम क्या करेंगे, ये निकालने के बाद अब इस डेटा को हम यहाँ पे रीयूज करेंगे, वी रीयूज दिस डेटा, वी यूज दिस डेटा फॉर 4kg ब्लॉक। अब अगर इसकी वैल्यू निकालोगे आप टेंशन एक्सेलरेशन की, ये एक्सेलरेशन जो हमने a1 दिखाया था यहाँ पे, ये एक्सेलरेशन a1 चाहिए, तो क्या लिखेंगे आप, 4g माइनस t डिवाइडेड बाय मास, सो गया 4g, सॉरी मास तो 4kg गए, तो 4 डिवाइड बाय 4 लिख देते हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू 4g माइनस 2g व्हिच इज 2g एंड डिवाइड बाय 4 व्हिच इज कमिंग आउट टू बी g बाय 2। हो गया, आई होप आपको ये एप्लीकेशन समझ आ गई है, आई होप आपको ये एप्लीकेशन समझ आ गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इंटरनेट स्लो चल रहा है, मेरी आवाज आपके पास ठीक आ रही है या डिले हो क्या रही है? यस नो सर, इट्स फाइन सर, आ रही है। ओके ओके, ठीक है, मुझे लग रहा है मेरी तरफ से कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बीड ऑफ मास m इज थ्रेडेड ओवर अ थ्रेड whose other end is attached to a rod of length L and mass M as shown. Capital M दे रखा है rod का mass है and small m दे रखा है bead का mass है और वो threaded है string के ऊपर, ठीक है? Find frictional force between the thread and the bead if it got to the other end of the rod in a time t after being released. अगर अभी देखोगे तो bead को lower end पे दिखा रखा है और वो कह रहे हैं कि time t के बाद ये upper end पे चला जाता है, तो अगर वो upper end पे time t के बाद जाता है तो उस केस में फ्रिक्शन जो उस बीड पे लग रही थी वो कितनी लग रही थी, ठीक है? ये क्वेश्चन में आपको फाइंड करनी है, मतलब ये चीज है, ये बीड जो है ये इस स्ट्रिंग के साथ बंधी भी नहीं है, बंधी भी नहीं है, इट्स नॉट टाइट टू इट, इट्स जस्ट यू नो हिंदी में बोलते हैं लिफ्टेड, वो मुझे पता है पॉलीमेटर टर्म है इसके लिए, इट्स जस्ट यू नो कैसे बोले, पिरोया हुआ है उसके अंदर। तो जब ये पिरोया हुआ है तो इस केस में क्या होगा, जैसे आप हाथ में जैसे ग्रिप करते हो वैसे ही ग्रिप की तरह, अब ये ग्रिप जो है अगर लूज होगा तो उसके इसमें क्या होगा, ये स्लाइड कर सकता है ना इसके ऊपर, राइट? बट अगर टाइट होगा तो फिर क्या होगा, उसके इसमें स्लाइड नहीं कर सकता, बट यहाँ पे डेफिनेटली वो स्लाइड कर रहा है, ये सिचुएशन आपको मान के चलना है, ठीक है? सो इट इज स्लाइडिंग इनसाइड, तभी तो उसने फ्रिक्शन के बारे में उससे पूछ रखा है। तो अगर मैं इसको सिचुएशन को एनालाइज करूँ तो ये चीज मैंने आपको वैसे भी पहले भी एक बार समझाया था, अगर आपको याद हो तो आई हैड मेड दिस पॉइंट वेरी क्लियर कि जो मतलब जैसे अगर आप हाथ से जैसे पुल करते हो स्ट्रिंग को, तो वो एक्चुअली जो है वो फ्रिक्शन ही है जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो, उसको पुल करते हो, तो आपका जो पुलिंग फोर्स है वो बेसिकली फ्रिक्शन का ही फोर्स है, और यही फ्रिक्शन क्या करता है, इसके स्ट्रिंग में टेंशन को जनरेट करता है, तो जो हम स्ट्रिंग का टेंशन दिखाते हैं वो बेसिकली उसी फ्रिक्शन की वजह से आता है। आपको याद है ये कंसेप्ट, ये हमने हैंड पुलिंग से वो मंकी वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ा समझाया था, याद हो ये बात? यानी इसीलिए जब हम बीड का अगर सिचुएशन को शो करते हैं, तो बीड को अगर हम शो कर रहे हैं, जैसे ये बीड है हमारे लिए, लेट्स से दिस इज अ बीड, ये हमारा बीड है, इसमें ऑब्वियसली एक होल होगा, यहाँ पे एक होल होगा, और इस होल से बेसिकली क्या मिलेगा, उसको फ्रिक्शन मिलेगा, सो यहाँ पे एक फ्रिक्शन मिल रही है, और इसका एक खुद का वेट होगा, mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा, इसकी एक्सेलरेशन को हम कुछ भी एक मान लेते हैं कि इसकी एक्सेलरेशन आपकी नीचे की तरफ a1 आ रही है, तो अगर इसकी एक्सेलरेशन लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, mg माइनस ऑफ फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, m इनटू a1 कर लिया, ये फर्स्ट इक्वेशन लिखा हमने। अब यही फ्रिक्शन आपको पता है टेंशन ही जनरेट करेगा, क्योंकि अगर वो स्ट्रिंग का अगर आप फ्री फॉल डायग्राम ड्रॉ करते, अगर ये स्ट्रिंग का डायग्राम ड्रॉ करते, ये स्ट्रिंग हम दिखा रहे हैं, तो थोड़ा सा थिक कर देते हैं जस्ट टू हैव अ बेटर सिनेरियो, तो जो फ्रिक्शन आपने यहाँ पे दिखा रखा है ऊपर की तरफ, यहाँ पे हम उस फ्रिक्शन को नीचे की तरफ पे नीचे की तरफ, दिस वुड हैव बीन डाउनवर्ड, यही फ्रिक्शन आता, और ये जो फ्रिक्शन होता है वो इसमें क्या स्ट्रिंग में क्या करता है, टेंशन को जनरेट करता है। सो स्ट्रिंग अपना मासलेस है, स्ट्रिंग इज मासलेस, ये स्ट्रिंग है, ठीक है? स्ट्रिंग मासलेस है तो कंडीशन क्या होना चाहिए, इवन इफ इट्स एक्सेलरेट्स, नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए,
क्योंकि ये स्ट्रिंग मासलेस है, तो आप क्या लिखेंगे, टी माइनस ऑफ एफ शुड बी इक्वल टू जीरो, राइट, है ना। जीरो क्यों लिखा हमने, क्योंकि मासलेस स्ट्रिंग है, इसका मतलब टेंशन ही बेसिकली क्या आपका फ्रिक्शन है, या आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब थर्ड इक्वेशन उस रॉड के लिए, रॉड के अगर डायग्राम को आप ड्रॉ करोगे, तो रॉड में आपका एक खुद का वेट होगा इसका कैपिटल एम इनटू जी, और इधर से एक टेंशन टी एक्ट कर रही होगी, और इक्वेशन में इसकी एक्सेलरेशन को हम नीचे की तरफ कुछ एक ए2 मान लेते हैं। वैल्यू क्या लिखा हो गया, एम जी माइनस ऑफ टी शुड बी इक्वल टू एम इनटू ए2 लिखा हो गया, राइट, और टी तो एफ के इक्वल ही है, तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो एम जी माइनस एफ शुड बी इक्वल एम इनटू ए2 लिखा हमने, थर्ड इक्वेशन हो गई। अब वो टाइम का कंडीशन को कैसे यूज करेंगे, आप इन तीनों सिचुएशन को आप एक बार एनालाइज करो, इन तीनों सिचुएशन को आप एनालाइज करो। आप देखो यहाँ पे ये रॉड है हमारा, दिस इज द रॉड, ये हमारा रॉड है, इसकी एक्सेलरेशन हमने नीचे की तरफ चूज कर रखी ए2, और ये बीड जो है वो पहले यहाँ पे था, और इसकी एक्सेलरेशन हमने नीचे की तरफ चूज कर रखी है A1। आप बता सकते हैं कि किसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, किसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, रॉड, क्योंकि रॉड, ऑब्वियसली रॉड की, क्यों सर, रॉड का ज्यादा एंड नो फ्रिक्शन। अरे कह रहा था ना कि लीड को एंड पे फंस पाया, क्वेश्चन से क्लियर हो गया, अगर अगर वो बीड ज्यादा एक्सेलरेशन से गिरेगा तो क्या ये बीड कभी भी दूसरे एंड पे पहुंच पाएगा उस रॉड के, हां नो सर, बेवकूफ की तरह बात कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए हमें, ये मोशन को एनालाइज करने के लिए क्या करना चाहिए, ग्राउंड फ्रेम को चूज करना चाहिए, रिलेटिव फ्रेम पे जाना चाहिए, हम अपने फ्रेम को कहां फिक्स कर लें, बीड पे फिक्स कर लेते हैं, और जैसे ही आपने बीड पे फिक्स किया तो अब आपको रिवर्ट एंड ऐड करना पड़ेगा, तो ये एक्सेलरेशन आपने रिवर्ट करके ऐड किया, सो दिस इज A1 व्हिच इज रिवर्टेड अपवर्ड्स। So, अब आपको acceleration of rod with respect to bead कितनी दिख रही है, कितनी दिख रही है, A2 minus A1 दिख रही है आपको, yes sir, मतलब bead के respect में आपको दिख रहा है rod नीचे की तरफ जा रहा है कितने acceleration से, A2 minus A1 acceleration से, और इसको अगर मैं बोलता हूँ कि ये displace करके यहाँ तक पहुँच गया, यही situation है ना basically, if this is t equal to zero का situation, t equal to time situation, right? Yes, yes. इसके बीच में रॉड कितना डिस्प्लेस कर गया, L length, करेक्ट है, L length, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड विथ रिस्पेक्ट टू बीड, ये आपका कितना है, L है, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रॉड विथ रिस्पेक्ट टू बीड आपका जीरो है, क्योंकि सिस्टम को रेस से रिलीज किया गया, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे, यू विल यूज s is equal to half at square, so therefore displacement of rod with respect to bead has to be half of acceleration of rod with respect to bead into time t ka square. Ab values ko substitute kar dete hain. So yahan se left hand side mein L, this will be half of, this will be A2 minus A1. A2 aur A1 ko hum in terms of f nikal sakte hain. A2 aur A1 ki value ko main nikal raha hu, theek hai? A2 can be written as G minus of f by capital L, theek hai? And minus of A1, which is G minus of plus ho jayega f by small. ठीक लिख रहा हूं मैं, यस सर, एंड दिस इसके साथ फिर टाइम का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज टाइम स्क्वायर, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहां से जी तो कैंसिल आउट हो गया है, और यहां से एल इज इक्वल टू हाफ ऑफ, यहां से एफ को कॉमन आउट कर ले, और ये वैल्यू आएगी आपके पास कैपिटल एम माइनस ऑफ स्मॉल एम बाई एम एम, दिस मल्टीप्लाइड टी स्क्वायर आ रही है, तो वैल्यू देखोगे तो आपको फ्रिक्शन की वैल्यू आपको मिल चुकी है, दिस इज कमिंग आउट टू बी एम एम बाई एम माइनस एम इनटू टू एल, सॉरी टू एल ओवर टी स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आई होप सबको समझ आ गई है, क्लियर है सभी को, यस सर, ठीक है। एग्जैक्टली एक सिमिलर क्वेश्चन आपको दे रहा, अब आप ट्राई करिए क्लास में, आई विल नॉट गिव मोर देन 5 मिनट्स, 5 मिनट्स से ज्यादा नहीं मिलेगा, 31 हो रहा है, मैं 36 में डिस्कशन स्टार्ट कर दूंगा, उससे पहले अगर किसी ने भेजा तो मैं चेक करूंगा, जल्दी ट्राई करिए।
पिछले क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है कि पिछला क्वेश्चन में थ्रेडेड था वो, इस बार थ्रेडेड नहीं है, अटैच्ड है. सो बेसिकली जो स्ट्रिंग है और जो बॉल है, इस बार उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा. अब वेरिएबल्स यूज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने. ठीक है, मैंने क्या किया, क्लियरली मुझे दिख रहा है 4m वाले मास को नीचे की तरफ ले जाना है, तो इसकी एक्सेलरेशन को मैंने a4 चूज कर लिया, जस्ट टू बी मोर सिंबॉलिक कि 4m दिया हुआ है. और जो m मास है उसकी एक्सेलरेशन को मैंने ऊपर की चूज कर लिया, ये a1 चूज किया है. ठीक है, आप अगर कंस्ट्रेंट देखोगे तो इधर में टेंशन, अगर मैंने t दिखाया, ऑब्वियसली सेम स्ट्रिंग में आपका टेंशन t रहेगा, तो डबल कर देंगे इधर तो 2t आ जाएगा. तो यहाँ पे आपका डेफिनेटली दिखा सकते हो 2t रहेगा. इधर से एक खुद का इसका वेट होगा mg, और एक इसका खुद का वेट होगा 4m into g नीचे की तरफ होगा. पहले तो constant relation ही लिखते थे. constant relation क्या है? 2t और a1 same direction में, तो 2t into a1 and plus t opposite direction में a4 के, तो minus of t into a4, this should be equal to 0. So condition आ गई आपके पास, a4 will be equal to 2 times of a1. ये हमारी पहली condition हो गई है. अब individual free ball diagrams equations. So equations क्या हैं आपके पास? Second equation हम block के जो ball है उसके लिए लिखते हैं. तो 2t minus of a will be equal to m into a1, okay? Second equation over here. Third equation will be 4mg minus of t will be equal to 4m into a4. Yeah, the third equation over here. Aur ab aapko best tarika hai, pehle tension hi nikal lo. First equation mein main second aur third ki values ko use kar raha hu. A4 pehle nikal rahe hain. A4 will be g minus of t by 4m. And that should be equal to 2 times of a1. Aur a1 ki value kitni hai? This is 2t by m minus of g हो जाना है. तो यहाँ से अगर रीअरेंज करें इसको, तो हमारे पास आ रहा है g plus 2g becomes 3g and that will be equal to t by 4 plus 4 t by m. So 4 4 is 16. 16 plus 1 will be 17. So 17 t by 4m. ये यार ये ना एक बार चेक कर लेना, कैलकुलेशन चेक कर लेना. So t coming out 12 mg divided by 7. So ये आपकी tension की वैल्यू हो गई है. Once you've got tension, अब आप individual acceleration दोनों की निकाल सकते हैं. So a1 की वैल्यू कितनी हो जानी है? a1 will be कितना था आपके पास? a1 was 2t by m. तो 2t by m करें तो 2 times of 12 mg by 17 m and minus of g हो जाना है. So, यहां से m gets cancel out. 12 into 2 is 24. 24 में 17 चला गया. तो कितना बचा आपके पास? 7. So, 7 g by 17 आ रही है. So, this is acceleration a1. अब a2 निकाले. a2 आपका कितना था? Oh, sorry, a2 नहीं, a4. a4 आपका कितना था? a4 was 2a1. So, 2 times of a1 कर लेंगे. तो ये हो जाएगा आपके पास. This will be 17, 14. So, 14 g by 17 हो जाएगी. So, this is a4 and a1 भी निकल गया आपके पास. अब तो आपको दिख रहा है कि रिलेटिव मोशन कंसीडर करेंगे, तो एक्सेलरेशन ऑफ रॉड विथ रिस्पेक्ट टू निकाले बस रिवर्ट एंड ऐड प्लस a4 एंड दिस क्लियरली विल बी 3 टाइम्स ऑफ a1 कर लेंगे. सो दिस विल बी 3 टाइम्स ऑफ a1. आप ऑलरेडी निकाल चुके थे 7 g by 17. सो दिस बिकम्स 21 g by 17 हो गई है. सो दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ रॉड विथ रिस्पेक्ट टू बॉल एंड देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड विथ रिस्पेक्ट टू बॉल शुड बी इक्वल टू half of acceleration of rod with respect to ball into t square कर लेंगे. पहले इसको substitute कर लो. L है relative displacement, so this will be half of 21 g by 17 and into t square कर लेंगे. So t की value आपके पास मिल रही है यहाँ पे. This is root under 34 L divided by 21 g. ये final answer हो जाएगा. ठीक है. I hope सबको समझ आ गई है. I hope सबको समझ आ गई है. Yes sir. ठीक है. चलिए क्वेश्चन करते हैं. यहाँ पे एक आपको स्क्रीन में थोड़ा लेट आया. यहाँ पे दो मासेस लटके हुए हैं. एक है आपका 4m मास है और एक m मास है. उसने कह रखा हमने सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया है. आपको मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय m फाइंड करना है. m कितना मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा ये आपको निकालना है. ट्राई करिए, देखिए कितनी आ रही है. I'll give you 5 minutes. So, बोलो बेटा, भेजा आपने? हाँ सर, सर 10 seconds में. Okay, रितु ब्रो तो ने भेजा है. सर, I have attempted it half an hour. हाँ हाँ भेजिए, मैं देखता हूँ क्या फ्रेंड कहते हैं.
ऋतुव्रत ने पहले एक्सेलरेशन का कंस्ट्रेंट लिखा है, फिर फ्री बॉडी डायग्राम को सॉल्व किया है. 4mg - 2t will be 4m into a1, ठीक है. और इसके लिए t माइनस ऑफ mg विल बी क्या किया आपने, t माइनस mg विल बी m इंटू ए टू. ये सेकेंड इक्वेशन क्या हो गया अचानक से तुम्हारा? सेकेंड इक्वेशन में मुझे समझ में आया तुमने टू मल्टीप्लाई किया है, बट आर एच एस का इक्वेशन में 8m इंटू ए टू क्यों, 2m इंटू ए टू होगा ना. तो ब्रो तो आपका जो थर्ड इक्वेशन है उसके राइट हैंड साइड में 8m कैसा है? गलत है, ठीक है. और दूसरी बात है, ये आपने एक्सेलरेशन फाइंड करने के बाद फिर आपने मैक्सिमम हाइट कैसे निकाला है? एग्जीक्यूशन गलत है, ऋतुव्रतों का एग्जीक्यूशन तो गलत है. ये किसका है? रुक्षा का है. रुक्षा ने पहले इंडिविजुअली फ्री बॉडी डायग्राम का इक्वेशंस लिखा है, यहाँ से A4 निकाला, फिर MG का फ्री बॉडी डायग्राम लिखा है, इससे A1 निकाला, फिर उनको सब्स्टिट्यूट किया है, अपने लिए टेंशन निकाला, A4 चुका है, टाइम 4m कवर्स 20 मीटर्स. टाइम टी में 4m कवर्स 20 मीटर्स. अच्छा ठीक, ये 40 सेंटीमीटर है, वैसे 40 मीटर्स नहीं है, बट ठीक है, आप 40 मीटर्स लेके अभी कैलकुलेशन कर लेते हैं. लास्ट में आंसर गलत है. आपने जितना दूर तक किया वहां तक ठीक है, बट हाइट ये आंसर नहीं होगा. ये हाइट सोचो जो आपने इतना मेहनत करके निकाला है, ये हाइट तो वैसे भी कंस्ट्रेंट से भी आप लगा सकते थे ना, नहीं लगा सकते थे? जो कंस्ट्रेंट होता था वो क्या होता, 2t into displacement of 4m mass block should be t into displacement of m mass block, होता या नहीं होता? तो इससे तो m का डायरेक्टली आपको डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है 40 मीटर है, तो इतना एक्सेलरेशन वगैरह निकालने का क्या फायदा है बताओ? एक्सेलरेशन वगैरह निकालने का क्या फायदा है बताओ? ये तो आपको कंस्टेंट से नहीं मिल जाता क्या? सोचो रुपचा, अननेसेसरी का इतना मेहनत किया, अननेसेसरी का इतना मेहनत किया है. ओके, अरिक ने क्या किया है, बस इक्वेशंस लिखा है, फिर अच्छा इसके बाद क्या करते हैं? अरे तो पिक्चर बाद में सेंड किया है, बीच में और लोगों का हो गया. ओके ओके ठीक है, मैं देखता हूँ. A1 A2 निकालने के बाद क्या करते हैं आप सर? उसके बाद तो काइनेमेटिक इक्वेशन का मोशंस के इक्वेशन लेके सॉल्व करता है, मतलब दुक्षण जैसे कि मतलब s is equal to half a t square करते हैं. हाँ, हाँ. मतलब 4m मास के लिए, और फिर वही t को यूज करते हैं आप के लिए, तो वही बात हो ना जो वही आ रहा है, वही हम तो करते हैं. तो वो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इतना मेहनत क्यों करना, कंस्ट्रेंट यूज करो, दैट्स व्हाट द राइट वे. अक्षत ने भी वापस से वही है, अभी तक तो टेंशन ही निकाला है, बट आगे का क्या करेंगे अक्षत? आप जो कह रहे हैं कंस्ट्रेंट से काम करें, किंगशुक तुई की করেছিস বাবা, অ্যাক্সেলারেশন a1 a4 বের করেছিস, অ্যাক্সেলারেশনটা মিটার পার সেকেন্ডে কখন থেকে হলো রে? ও স্যার ওটা দ্যাট ইজ আ মিস্টেক. ঠিক আছে, a1 a2 a1 a4 বের করেছিস, তারপরে এইখান থেকে এই অ্যাক্সেলারেশনটা ইউজ করেছিস, আচ্ছা টাইম বের করার জন্য, আর ওই টাইমটা ইউজ করেছিস আবার এইখানে, তাহলে ক্লিয়ারলি এইটা ক্যালকুলেশন মিস্টেক হয়েছে, তোর 100% ক্যালকুলেশন মিস্টেক হয়েছে. কেন কি এটা 100% শিওর যদি সেম টাইমটা ইউজ করবি তাহলে যে অ্যাক্সেলারেশন এর কনস্ট্যান্ট সেম টেনশন তো ডিসমেন্টেল হতে থাকবে,
তাহলে তো যদি এইটা 20 সেমিটার নিচে যাচ্ছে তাহলে ওইটা 100% 40 সেমিটার উপরেই যাবে তাই তো তো 2 মিটার তো হবে यस এন্ড इवन दो अगर आपने ये कैलकुलेशन सही भी किया होता तो भी आपका ये आंसर मतलब गलत होता ये आंसर गलत होता क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट अटेंड नहीं है मैं भी रीजन बताऊंगा सबको नो सर वो असल में मैंने जी को नहीं कंसीडर किया है ना इसलिए वो मिस आउट कर दिया हां एंड ये किसका है ये शमदीप का है इसमें रिलेटिव एक्सेलरेशन क्यों कंसीडर कर रहे हो आप रिलेटिव एक्सेलरेशन यहां पे क्यों कंसीडर कर रहे हो मतलब आपको क्या ब्लॉक और मास के बीच का सेपरेशन निकालना है ऐसा कुछ है नहीं सर मतलब क्यों निकाल रहे हैं सबका वही काम है इस सागरिका ने भी वही किया है बेवकूफ सब वही काम है डिस्प्लेसमेंट निकालने के मतलब ये जो जब तक 20 सेंटीमीटर नीचे गिरेगा तब तक ये एम मास कितना ऊपर जाएगा वो निकालने के लिए इतना मेहनत बाप रे बाप So we could directly find out the ratio between A2 and A1 and then... No, we don't Sir, need to find I've out... also done the same. We don't need to find out... Sent. Oh, so no, so no. We don't yes, need sir, to only find... the ratio. We don't need to find out the relation between acceleration. We just need to find out... क्योंकि देखो acceleration का जो constraint का तरीका है वो actually displacement के तरीके से आया था अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया virtual work method में हम क्या करते हैं force और displacement का dot product लेके zero करते हैं ना तो डिस्प्लेसमेंट को जब आप ये नो टाइम इंटरवल से डिवाइड करते हो तब तो आपको वेलोसिटी मिलता है और फिर जब आपका वेलोसिटी का टाइम चेंज से आप टाइम इंटरवल को डिवाइड करते हो तब एक्सेलरेशन मिलता है राइट तो एक्चुअली जो कंस्टेंट है वो तो डिस्प्लेसमेंट का ही है आप अदरवाइज अदर वे अराउंड क्यों चल रहे हो बट क्वेश्चन में जो मेन कंसेप्ट है वो कोई भी फॉलो नहीं कर पाया मैं मुझे लग रहा था एक दो लोग तो पकड़ पाएंगे बट किसी ने नहीं पकड़ा तुम ये सोचो जिस इंस्टेंट तक 4m नीचे आएगा उस इंस्टेंट तक m आपका ऊपर गया ये करेक्ट है बट ये सोच के देखो 4m जब जमीन पे टकरा जाएगा क्या m वहीं पे रह जाएगा जहां तक पहुंचा था या कुछ और होगा सर डबल हाइट सर चलेगा नहीं डबल हाइट नहीं बेटा डबल हाइट नहीं जाएगा क्योंकि उसका डिसेलरेशन थोड़ी ना सेम है जिस रेट से वो एक्सेलरेट किया था क्या डिसेलरेशन उतना ही है उसका नहीं ना इनफैक्ट अगर देखोगे तो 4m जब जमीन पे गिर जाएगा उसके बाद आपका स्ट्रिंग क्या होगा स्लैक कर जाएगा और स्प्रिंग स्लैक करने के बाद जो एम मास है उसका फ्री फॉल हो जाएगा और जब फ्री फॉल होगा तो उसने ऑलरेडी उसने एक वेलोसिटी गेन कर लिया उस टाइम पर तो वो जो वेलोसिटी उसने गेन कर रखा है उस वेलोसिटी से यूज करके वो क्या होगा और फर्दर ऊपर जाएगा क्या आपको बात समझ आई क्या बोला मैंने यस सर ठीक है तो आप लोगों ने किसी ने भी इस चीज को नोटिस किया कि वो और जाएगा ऐसा क्या हुआ सबसे कुछ लोगों से हो सकती है ठीक है चलो कुछ लोगों को स्ट्राइक नहीं किया बट किसी को भी स्ट्राइक नहीं किया ऐसा तो अच्छी बात नहीं है इट्स नॉट अ गुड थिंग टू हैपन चलिए एनीवेज ठीक है अब मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ देखिए यहाँ पे ठीक है मैं इसी को एक बार रीड्रॉ कर लेता हूँ जस्ट अ सेक इसको क्या कर ले मैं यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ ऑलरेडी यहाँ पे दिस इज एम मास सो आई एम शोइंग दैट दिस हैज मूव्ड अप कितना ऊपर मूव कर गया ये आपको याद है जब कंसंट्रेशन लेंगे आप कितने जाएगा अब ये 20 सेंटीमीटर नीचे गया तो वो कितना ऊपर जाएगा 40 करेक्ट करेक्ट है ना यस ठीक है दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम कंस्ट्रेंट ठीक है ये स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट है कुछ इक्वेशंस नहीं यूज किए मैंने ठीक है अब इसके बाद फिर ये स्ट्रिंग स्लैक करने वाला है बस इस इंस्टेंट से पहले तक क्या हो रहा था इस इंस्टेंट से पहले तक का पहले पता करके ये फाइंड आउट करो कि इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी व्हाट इज द वेलोसिटी दैट इट हैज अटेंड इन दिस इंस्टेंट जो वेलोसिटी ये अटेन करेगा उसके बाद तो आपको पता है यहाँ का स्ट्रिंग स्लैक कर चुका है क्योंकि ब्लॉक एम तो आपका जमीन पे आ चुका है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये आपका स्ट्रिंग स्लैक कर चुका है एंड इसके बाद फिर इसका फ्री फॉल हो जाएगा ये एम जी डाउनवर्ड्स है तो इसकी एक्सेलरेशन विल बी नीचे की तरफ जी एंड इससे ये फर्दर ऊपर जाएगा एंड देन फाइनली जाके क्या होगी
एड्रेस पे आएगा. तो आपको पोजीशन का फाइंड कर, ये वेलोसिटी जीरो हो रही है तो ये फर्दर कितना ऊपर गया है ये आपको फाइंड करना होगा. पहले ये फाइंड करना मुश्किल काम नहीं है. ये कितना हो जाएगा, 20/2g हो जाएगा, राइट. तो मैक्सिमम हाइट अटेंड कितना होगा, 40+20/2g होगा. तो आप लोग जितना भी 40 निकाल के छोड़ रहे थे उसमें बेसिकली 20/2g और ऐड करना पड़ता है, ठीक है. तो वी निकालने का मेहनत करना है थोड़ा सा. वो निकालने के लिए बेसिकली आपने जो एक्सेलरेशन फाइंड किया वहां तक का स्टेप सही है. तो आप क्या करेंगे, पहले यहाँ पे अगर मैं शो करता तो आप कैसे शो करते हैं, यहाँ पे मैं जस्ट एग्जीक्यूट कर रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन को. देखो यहाँ पे टेंशन टी दिखाया ऑब्वियसली यहाँ, अच्छा उल्टा कर लेते, हाँ ठीक है. यहाँ पे टेंशन आपका 2T हो जाएगा, यहाँ से 4mg और यहाँ से mg. नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा ये, आपको आई होप आपको समझ आ रहा है, क्योंकि ये तो 4mg वाला मास जो है वो नीचे आएगा तो ऑब्वियसली नॉर्मल रिएक्शन हट जाएगा यहाँ पे. तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो है, ऐसा मत सोचना नॉर्मल रिएक्शन क्यों नहीं शो किया, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से जीरो हो जाएगा. और इससे आपको पता चल रहा है कि ये वाली मास जो 4m वाली मास है वो अगर एक्सेलरेशन ए से नीचे जा रही है तो ये ऊपर जाएगी एक्सेलरेशन बी से, राइट. ये करेक्ट. तो इक्वेशन क्या बनेगा आपके पास, इक्वेशन बनेगा आपके पास 4mg माइनस ऑफ 2t शुड बी इक्वल टू 4m इनटू a. ये आपकी पहली कंडीशन हो गई है. दूसरी कंडीशन इससे लिख लें तो t माइनस ऑफ mg शुड बी इक्वल टू m इनटू 2a. ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई है. इस सेकंड इक्वेशन को क्या करो आप, इनटू 2 कर दो. सेकंड इक्वेशन को इनटू 2 कर दो तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 2 डाल देते हैं, यहाँ 2 डाल देते हैं और यहाँ 2 डाल देते हैं. और इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं. तो यहाँ से टेंशन एलिमिनेट हो जाएगी, 4mg माइनस 2mg आपके पास 2mg बचेगी. एंड ये वाली वैल्यू आ रही है आपके पास 4ma1 प्लस 4ma1 व्हिच इज 8ma1 8ma. सो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई आपके पास g/4 आ गई है. और एक्सेलरेशन अगर g/4 है तो ब्लॉक m का जो एक्सेलरेशन है वो आपका एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक m जो है, एक्सेलरेशन ऑफ m लिख देते हैं. सो दिस इज इक्वल टू 2a मतलब 2g/4 and that becomes g/2. So basically वो g/2 acceleration से ऊपर गया है. और कितना सेंटीमीटर गया, कितना 40 सेंटीमीटर. तो जो velocity हमने शो कर रखा है velocity वो कितना होना चाहिए, b² should be equal to, क्या लिखे अभी क्यों भेज रहे हो आप लोग यार, ये कौन से दुनिया में रहता है यार, ये यार क्रिश थोड़ा सा तो सुन लिया कर यार. So we, और बाद में कुछ समझ ही नहीं आना है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फालतू सवाल पूछेंगे आप. इतनी डिस्कशन कर रहा हूँ अभी क्या क्या मैं हासिल करेगा तू, A1 A2 निकाल के बताओ. मिस्टेकली नहीं चला गया, वो जानबूझ के गया, फोटो खींचोगे फिर भेजोगे, इतना कैसे मिस्टेकली होगा सर, नेट ऑफ था ऑन सडनली चला गया. चलो ठीक है, अब जो भी करना है करो. याद रहेगा सर, ठीक है. चलिए गलतियां करिए बट उसको रिपीट नहीं करिएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये मैं करूंगा आप देखिएगा, ठीक है. क्वेश्चन में थोड़ी सी मेहनत का काम है. यहाँ डायग्राम में देखो क्या दिखा रखा है, एक वेज दिखा रखा है मास कैपिटल एम का और सरफेस को उसने स्मूथ दिखा रखा है जिस सर्फेस पे प्लेस है वेज, और उसके साथ दो पुली अटैच्ड है वेज के साथ. एक पुली टॉप पे अटैच्ड है और एक बॉटम पे अटैच्ड है. ऊपर से जो पुली अटैच्ड है उसके साथ हमने एक मास एम को लटका रखा है और साथ में हमारा जो दूसरा एंड है वो पुली से क्रॉसओवर होके वो बेसिकली दूसरे फिक्स्ड एंड पे बंध गया है. अब उसने क्या क्या रखा है, सर्फेस ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन ब्लॉक्स इज रफ, मतलब दोनों ब्लॉक के बीच फ्रिक्शन एग्जिस्ट करती है और वहां पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आपको म्यू का दे रखा है. और पूछा है उन्होंने
एक्सेलरेशन ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी, आपको ये फाइंड करना है। एक चीज अगर स्ट्रिंग का अगर हम यूज करते हैं, एक चीज क्लियर रहेगा कि अगर ब्लॉक एम नीचे आएगा तो वेज को लेफ्ट जाना ही पड़ेगा ना। ब्लॉक एम अगर नीचे आता है तो आपके इस वेज को लेफ्ट की तरफ राइट की तरफ ठीक है, ये समझ आ रही है आपको? इफ द ब्लॉक इज कमिंग डाउन, ब्लॉक इज कमिंग डाउन विद सम एक्सेलरेशन ए वन मान लेते हैं, या ए वन नहीं लिखते हैं इसको, इसको रिलेटिव एक्सेलरेशन लिखते हैं। मतलब ये इसको एक काम करते हैं, इसको वन नाम दे देते हैं और इसको मैं टू नाम दे रहा हूँ, ठीक है, वन एंड टू कह रहा हूँ, ठीक है, वन एंड टू। सो दिस इज एक्चुअली एक्सेलरेशन ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, सही कह रहा हूँ क्या मैं? सही कह रहा हूँ मैं? मतलब अगर मैं वेज पे चढ़ जाऊं तब तो मुझे दिखेगा ना कि वो नीचे ही से गिर रहा है। समझ आ रही है आपको क्या कह रहा हूं मैं? यस सर। बट वेज तो खुद ही शिफ्ट कर रहा है ना, वेज शिफ्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? यस सर। तो वेज अगर शिफ्ट कर रहा है राइट की पक्का है, उससे जो कॉन्टेक्ट में वो भी तो तरफ जा रहा है, वो तो बॉडी कंस्टेंट है। इसका मतलब अगर मैंने वेज की एक्सेलरेशन को अगर मैंने ए वन शो कर रखा है इधर राइट की तरफ, ये ए वन शो किया है, तो पक्का है इस ब्लॉक की भी एक्सेलरेशन आपकी a1 की वैल्यू राइट की तरफ होगी, और इससे जो रिजल्टेंट आएगा वो एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होगा आपका? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा। आई होप आप सबको समझ आ रही है ये चीज, ठीक है। सो दिस इज a2, ठीक है, a2 मतलब कि वो उसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट हो गया। आप पहले A1 और A2, A21 जो हमने चूज किया उनका रिलेशन फाइंड करते हैं, कोई बता सकता है A1 और A21 इनका कंस्टेंट क्या है? A1 और A21 के बीच में रिलेशन क्या है? स्ट्रिंग कंस्टेंट लगाओ तुरंत मिल जाएगा। स्ट्रिंग कंस्टेंट लगाओ तुरंत मिल जाएगा, बता रहा हूँ, एक मिल जाएगा। आप एनालिटिकली भी सोच सकते हैं और जो टेंशन का मेथड है उससे भी सोच सकते हैं। नहीं दिख रही? ओके, मैं दिखाता हूं, देखो यहाँ पे जो टेंशन होगा ऑब्वियसली यहाँ पे भी वही टेंशन होगा, यहाँ पे भी वही टेंशन होगा, यहाँ भी वही टेंशन होगा, यहाँ भी वही टेंशन होगा, करेक्ट है? अब देखो कि किसका एक्सेलरेशन किस तरफ है और टेंशन के साथ डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो करो। वेज के लिए राइट में राइट में जो टेंशन है वो कितनी है? सिर्फ टी है, दिख रहा है? टी दिख रही है, वो पुली को वेज के साथ अटैच मानो तो समझ में आएगा, ठीक है। तो इस केस में आपका टेंशन कितना दिख रहा है? टी। तो इक्वेशन क्या होना चाहिए? टी इंटू ए वन विद अ पॉजिटिव साइन, करेक्ट है? करेक्ट है। और दूसरा ब्लॉक के लिए, ब्लॉक जब टेंशन के साथ प्रोडक्ट लोगे ए वन का डॉट कितना आएगा? जीरो, क्योंकि ए वन के साथ टी का एंगल कितना है? 90 डिग्री, दिख रही है आपको? yes, और A21 ऑपोजिट टू टी है, A21 ऑपोजिट टू टी है, तो उसके साथ क्या लिखेंगे आप? टी इंटू A21 विद अ नेगेटिव साइन, सो माइनस ऑफ इंटू A21 शुड बी जीरो। अगर आप देखोगे तो A1 की वैल्यू A21 से मैच कर रही है, राइट? ये पहला कंस्टेंट है। ये आप वैसे भी बहुत लॉजिकली कर सकते थे, मतलब इतना मेहनत कुछ करने का जरूरत नहीं था, स्ट्रिंग कंस्टेंट लगाने का भी जरूरत नहीं था। कैसे करते? एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन खोजो। अगर सपोजली मैं अपने फ्रेम को यहीं पर फिक्स कर देता हूँ, यहीं पर फिक्स कर देते हैं वेज के अंदर, वेज के अंदर अगर हम अपने फ्रेम को फिक्स करते हैं, तो फिर इस केस में जो भी एक्सेलरेशन आपको इस फ्रेम का दिख रहा है वो रिवर्ट एंड ऐड करोगे आप, करोगे? तो इस फ्रेम की एक्सेलरेशन को अगर मैंने रिवर्ट करके ऐड किया, तो देखो ये रिवर्ट करके ऐड किया A1, देखो ये A1 और ये A1 वेक्टोरली कैंसिल आउट हो गया, और ये जो सब है ये आपको पास दिखेगा किससे? A1 से, करेक्ट है? करेक्ट है। अब देखो कि मूवेबल एंड आपको कहाँ पे दिख रहा है स्ट्रिंग का, बस ये चेक करो। वेज तो फिक्स हो गया है, वेज वर्क मूव नहीं कर रहा है, ध्यान रखना। अब आपको मूवेबल एंड कहाँ पे दिख रही है? देखो दो मूवेबल एंड है, एक है आपका ब्लॉक का जो स्ट्रिंग कनेक्शन है, और दूसरा यहाँ पे देखो जो रिजिड सपोर्ट पे आपका स्ट्रिंग फिक्स है, वो दोनों जगह पे। आप अगर देखोगे तो ब्लॉक से जो कनेक्टेड पॉइंट है वो नीचे जा रहा है A21 से, दिख रहा है? दिख रहा है आपको? ब्लॉक से जो कनेक्टेड पॉइंट है वो A21 से नीचे जा रहा है, और जो राइट में पॉइंट है जो आपका रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड है वो आपका लेफ्ट की तरफ आ रहा है A1 से। तो श्रिंक करने का रेट जो है वो आपका A1 का है, और एक्सटेंड करने का रेट जो है वो A21 का है। क्या ये दोनों सेम नहीं होना चाहिए? यस, समझ आ रही है?
तो ये यहाँ से भी आपको दिख रही है, ठीक है। तो ये कंस्टेंट आप यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते थे, ठीक है। तो मैं इसको भी हटा दे रहा हूँ क्योंकि अननेसेसरी लगते हैं, इस साल के लिए यूज नहीं किया, ठीक है। मैंने आपको बता दिया इसको भी आप कर सकते थे, नहीं तो आप कन्फ्यूज करेंगे। जब आपके पास कॉपी में दो दो चीजें रहेगी एक ही जगह पे तो कन्फ्यूज करेंगे। आपको लिखना हो तो बाद में आप आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है। दो अलग मेथड करके एक ही डायग्राम में गंदा नहीं करिएगा। अब यहाँ पे ये तो हमने कंस्टेंट लिख लिया, अब कंस्टेंट लिखने के बाद अब नेक्स्ट टास्क है फ्री वर्ल्ड डायग्राम का। तुम अगर नोटिस करोगे तो ब्लॉक एम जो है, मतलब जो भी स्मॉल एम मास का जो ब्लॉक दिखा रखा है उसका एक्सेलरेशन राइट की तरफ है, तो ऑब्वियसली उसको राइट की तरफ एक्सेलरेशन कौन देगा, कॉन्टैक्ट फोर्स ही देगा। और ब्लॉक एम नीचे की तरफ जा रहा है तो मतलब पता है उसके ऊपर फ्रिक्शन जो होगा वो ऊपर की तरफ लगेगा। तो अगर मैं ब्लॉक एम का अगर फ्री वर्ल्ड डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ब्लॉक एम का, ये ब्लॉक एम का डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, उसको नहीं डर्टी कर रहा हूँ मैं, आपको यहाँ पे बस डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये पक्का है काइनेटिक फ्रिक्शन है क्योंकि स्लाइडिंग हो रही है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आएगा और यहाँ पे एक टेंशन आएगा और इसकी एक्सेलरेशन एक राइट की तरफ है A1 की और एक नीचे की तरफ है A2 की। इक्वेशन लेते हैं इसके लिए, इक्वेशन आएगा एक तो नॉर्मल रिएक्शन वैल्यू व्हिच इज m इनटू A1, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई है। और आपके पास है वर्टिकल डायरेक्शन, अच्छा वर्टिकल डायरेक्शन में mg नहीं दिखाया मैंने, mg तो इक्वेशन होगा आपके पास mg माइनस ऑफ t म्यू टाइम्स ऑफ n that should be equal to m into A21 और A21 और A1 तो सेम ही है, तो मैं उनके वैल्यूज को सेम सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, ठीक है। इसकी वैल्यू को मैं लिख देता हूं दिस इज इक्वल टू a, इसको अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है, से लिख देते हैं क्योंकि कॉमन वैल्यूज है तो इसलिए आसान सा होगा। ये मैंने A2 नहीं लिखा हूं, तो इसको मैंने mg लिखा माइनस ऑफ t माइनस ऑफ n की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सो म्यू टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा ma विल बी इक्वल टू ma। तो यहां से आपके पास वैल्यू आ रही है t की वैल्यू इज mg माइनस ऑफ एम ए कॉमन कर लिया और यहाँ पे बचेगा आपके पास म्यू प्लस वन बचेगा, ये आपके इक्वेशन की वैल्यू आपकी इक्वेशन हो गई। हम क्या अगर वेज का डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, अब वेज का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये कैपिटल एम का एक मास है, अब इसमें क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं थोड़ा सा केयरफुल होके, वेज का डायग्राम ड्रॉ करना थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। तो बेस्ट तरीका होता है कि देखो जब ये एक मतलब एक पुली बेस सिस्टम से कनेक्टेड है तो पुली का रिएक्शन फोर्स भी उस पर मिलेगा, तो पुली का रिएक्शन फोर्स अगर आपको फाइंड करना है तो फिर वो मेहनत का काम हो जाएगा अननेसेसरी का। तो क्या करते हैं, सिंस पुली तो ऑलरेडी मासलेस होता है तो इसको इसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, पुली को इसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा काम हमारा आसान हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पुली को इसके अंदर इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। दिस पुली इज अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्लॉक, तो इसको मैं जस्ट यहाँ पे जस्ट ब्रेक कर देता हूँ। ये पुली को यहाँ पे रख दिया और एक जगह अटैचमेंट है नीचे में, उसको भी दिखा देते हैं। अब जहां जहां पे टेंशन है उसको अकॉर्डिंगली शो करेंगे। तो यहाँ पे एक टेंशन आएगा टी नीचे की तरफ, यहाँ भी एक टेंशन आएगा टी नीचे की तरफ, यहाँ पे एक टेंशन आएगा टी ऊपर की तरफ और यहाँ एक टेंशन आएगा टी इधर की तरफ। साथ साथ में जो फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन आपने इस ब्लॉक पे दिखाया था वही फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन अब आपको उल्टा करके यहाँ पे दिखाना है। तो यहाँ पे मैंने फ्रिक्शन काइनेटिक वैल्यू दिखा दिया और यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन को पुशिंग फोर्स की तरह दिखाया एन, इसका खुद का एक वेट है कैपिटल एम जी, और यहाँ से ग्राउंड एक रिएक्शन फोर्स आएगा, इसको आप एन जी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं चेक करूँ कि फ्री बॉडी डायग्राम में क्या हमने सारे फोर्सेस को इंक्लूड कर लिए, कुछ बच गया चेक कर लो, सारे चेक कर लो एक बार। सर ब्लॉक का एक्सेलरेशन है, हां बस एक्सेलरेशन शो करना है, ठीक है, बट फोर्सेस सारे इंक्लूड हो गए तो मैं इसकी एक्सेलरेशन को शो कर देता हूं। इसकी एक्सेलरेशन आपकी राइट की तरफ है और ये एक्सेलरेशन तो ए ही है जो हमने चूज किया था। तो पहले तो वर्टिकल डायरेक्शन का हमसे, देखो वर्टिकल डायरेक्शन में मुझे मतलब नहीं है क्योंकि ग्राउंड का रिएक्शन फोर्स तो चाहिए नहीं और ग्राउंड से वैसे भी कोई फ्रिक्शन मिल नहीं रहा है, अगर ग्राउंड से फ्रिक्शन मिलता तब उस ग्राउंड का रिएक्शन फोर्स का भी जरूरत पड़ता। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन कंडीशन लिखने का जरूरत भी नहीं है, आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सीधे से आ जाओ। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर आप फोर्सेस देखोगे तो कौन कौन से मिल रही है, राइट की तरफ एक टेंशन मिल रही है, दिख रही है आपको राइट की तरफ एक टेंशन मिल रही है, और लेफ्ट की तरफ जो मिल रही है वो एक नॉर्मल रिएक्शन मिल रही है, दिख रही है। सो टी माइनस ऑफ एन, ये वैल्यू आ रही है कैपिटल एम इन टू ए, क्या आपको दिख रही है ये चीज, दिख रही है? Yes. तो अब इक्वेशन क्या लिखना चाहिए आपके पास, टी शुड बी इक्वल टू एन प्लस एम ए, और एन तो आप ऑलरेडी निकाल चुके थे स्मॉल एम इन टू ए1 था, इसको लिख सकते हैं स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम into A,
ये आपकी फोर्थ इक्वेशन हो गई है, ठीक है। ये इक्वेशन एक्चुअली जो है वो हम डायरेक्टली लिख सकते थे, थोड़ा कॉमन सेंस लगाते थे तो, मतलब इतना मेहनत करने का नहीं पड़ता। तो मगर तो कॉम्बाइंड मास सिस्टम है, मतलब एज ब्लॉक का जो कॉम्बाइंड मास सिस्टम है, दोनों के बीच में एक वर्टिकल डायरेक्शन में तो रिलेटिव एक्सेलरेशन है, बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है तो नेट फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन टोटल एक साथ लिख सकते थे क्या? लिख सकते थे। इस कॉम्बाइंड मास सिस्टम पे अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर देखोगे तो एक ही फोर्स है, वो कौन सा है? टेंशन और स्ट्रेन है, दिख रही है आपको? और वो टेंशन क्या होनी चाहिए थी? टोटल मास विच इज एम प्लस एम into the common acceleration, the horizontal direction, which is A1. तो क्या लिखते हैं? T is equal to M plus M into A1 लिख सकते थे। तो ये वाला चीज़ अगर आप पहले observe करते तो ये इतना मेहनत करके आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो यहाँ पे हमने fourth equation को use कर लिया, ठीक है। अब जैसे ही fourth equation और third equation को equate करोगे, क्योंकि tension है दोनों में, तो इसमें आप equate कर सकते हैं, so small m plus capital M into A should be mg minus of ma into mu plus 1 हो जाएगा। अब ma को इधर rearrange कर लेते, एक्सेलरेशन को कॉमन कर लिया, तो यहाँ से एम प्लस एम प्लस एम इनटू म्यू प्लस वन एंड दैट इज इक्वल टू एम जी। सो देयरफॉर एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई आपके पास एम जी बाई, दिस इज कमिंग आउट टू बी एम प्लस एम विच इज टू एम, तो टू प्लस म्यू इनटू एम एंड प्लस कैपिटल एम हो गया। ये एक्सेलरेशन आई वेज की एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज। अब ये सोच के देखो, आपको जो हमें पूछा गया था वो ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछा था, वो तो रूट टू टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा ना, होगा नहीं होगा? क्योंकि ए वन और ए टू वन ये दोनों क्या है? सेम है ना मैग्नीट्यूड में, और दोनों वेक्टर्स अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो नेट एक्सेलरेशन कितना आएगा? रूट टू टाइम्स आ जाएगा, करेक्ट करेक्ट है ना? yes. तो आपके पास क्या है यहाँ पे, ये आप दिखा सकते हैं यहाँ पे, जस्ट लास्ट में आप दिखा दीजिए, ये ए वन था और ये ए टू वन था, दोनों वैल्यूज हमने ए चूज कर रखा है, तो इसीलिए आपकी रिटर्न टैक्सेशन जो आएगी ये आपकी एक्सेलरेशन ऑफ टू हो गई है, विच इज बेसिकली रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लिख लीजिए आप एक से बढ़ा लीजिए, सो हो जाएगी रूट टू टाइम्स ऑफ ए, और ए आपने ऑलरेडी निकाल रखा है, इसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्लियर है सभी को? क्लियर, आगे बढ़े? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए डायग्राम चेक करिए, क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ, अब ध्यान से देखिए। अ डिवाइस शोन इन द फिगर बिलो कंसिस्ट ऑफ अ स्मूथ एल शेप्ड रॉड लोकेटेड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। आप डायग्राम देखो फिर फॉलो करो, एल शेप का एक रॉड है और उसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमाया जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में। एंड अ स्लीव ऑफ मास एम अटैच्ड बाय अ वेट स्प्रिंग टू पॉइंट बी। स्लीव मतलब कोई ऐसी चीज की रॉड पे स्लाइड करती है, ठीक है, उसको स्लीव कह रहे हैं वो, मतलब ये रॉड है तो इस रॉड के ऊपर ऐसे एक स्लाइड करती हुई जैसे मोती की जैसी चीज वो यहाँ पे लगी हुई है, तो उसको स्लीव कह रहे हैं वो, ठीक है। बट ये जो स्लीव है वो एक स्प्रिंग के साथ अटैच है और इस स्प्रिंग का जो दूसरा एंड है वो एंड बी से अटैच है। क्या आपको बात समझ आ रही है? क्या कह रहा हूँ मैं, क्या बात समझ आ रही है? ठीक है, वहां पे डायग्राम में देखिएगा तो बी से ए के बीच में जो रॉड है उसमें थोड़ी सी शेडिंग कर रखी है, ऐसे हैचिंग कर रखी है, वो हैचिंग बेसिकली स्प्रिंग को इंडिकेट कर रहा है कि स्प्रिंग कनेक्टेड है वहां पे। उसके बाद उसने क्या रखा, स्प्रिंग को स्टिफनेस, स्प्रिंग का जो स्टिफनेस है, स्टिफनेस इक्वल टू के है, मतलब स्प्रिंग कॉन्स्टेंट दे रखा है। द होल सिस्टम रोटेट्स विद अ कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू ओ। ओ के अबाउट एक वर्टिकल एक्सिस लिया, उसके अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से स्पिन किया जा रहा है, तो ये एंगुलर वेलोसिटी उसने ओमेगा दे रखा है। उसके बाद क्या रखा, फाइंड द इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग, हाउ इज द रिजल्ट अफेक्टेड बाय डायग्राम रिएक्शन, मतलब अगर रोटेशन डायरेक्शन को उल्टा कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा। पहले ये सोचिए कि इलोंगेशन ही क्यों हुआ है, कॉम्प्रेशन क्यों नहीं हुआ, बताइए कोई बता सकता है मुझे, इलोंगेशन क्यों हुआ, कॉम्प्रेशन क्यों नहीं हुआ? इस डायग्राम में, इस स्प्रिंग में इलोंगेशन ही हुई है, कॉम्प्रेशन क्यों नहीं हुई है? बताइए, बताइए,
रोटेटिंग फ्रेम में बैठ जाओ आपको समझ में आ जाएगा सर बिकॉज़ ऑफ दिस रोटेटिंग फ्रेम में यदि बहुत से तेरे बाहर दी के एमवी स्क्वायर भाई आ रहा है तो सुडो फोर्स सुडो फोर्स सुडो फोर्स टाके এখানে কি বলা হয় সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স সেন্ট্রিফিউগাল তো সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স নাম বল লজ্জা পাচ্ছিস কেন सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको क्या करेगा बाहर की तरफ पुश करेगा तो उसकी वजह से इलॉन्गेशन आ जाएगी दैट्स इट मैं इसका टॉप व्यू ड्रॉ कर रहा हूं ठीक है इस व्यू में आप देखोगे तो थोड़ी सी सिचुएशन आपको इजी दिखेगी ये टॉप व्यू इसका ठीक है इस एक्सिस को बेसिकली इसके अबाउट बेसिकली आपका रॉड जो है वो घुमाया जा रहा है इसके अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमा रहे हैं ये टॉप व्यू है ध्यान रखिएगा ठीक है मतलब ऊपर से देख रहे हो तो आपको ये दिखेगा ये वाला एंड आपका बी है और यहां से बेसिकली हमने वो स्प्रिंग को अटैच कर रखा है यहां से एंड बी से और ये सोचो कि आपका ऐसा करके ये सोचो ये स्प्रिंग का स्ट्रक्चर होगा कुछ से अटैच होगा यहाँ पे आपका वो स्लीव होगा दिस इज द स्लीव जो यहाँ पे एस एंड पे मैं मार्क कर रहा हूँ अभी आई होप आपको डायग्राम समझ आ रही है ठीक है अभी क्या है कि मान लेते हैं कि ये जो है मतलब जो एक्सिस से इसका जो डिस्टेंस है ये आर डिस्टेंस है ठीक है अभी हमने जो माना है एक्सिस से डिस्टेंस इसकी आर दिख रही है अब इस पे फोर्सेस आप क्या शो करोगे अगर मैं इसको इसी फ्रेम से सॉल्व करूं मतलब इस रोटेटिंग फ्रेम से अगर मैं सॉल्व करूं इस रोटेटिंग फ्रेम से मतलब मैं भी इसके साथ साथ गोल गोल चक्कर काटता हूं तो ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा आपको इसमें इसके ऊपर एक सुडो फोर्स बाहर की तरफ लगाना पड़ेगा राइट दिस इज सुडो फोर्स ठीक है और ये सुडो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू r करेक्ट है इसी का अगर आप देखोगे तो एक कंपोनेंट है अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड जो कि उसको बाहर की तरफ पुश करके पुल करके लेके चला जाएगा इसीलिए आप क्या है इलॉन्गेटेड है स्प्रिंग में इलॉन्गेशन की तो हमको फाइंड करना है हमने इलॉन्गेशन को अगर x मान रखा है तो पता है स्प्रिंग से जो फोर्स मिलेगी उसको यहाँ पे वो कितनी फोर्स मिलेगी x की मिलेगी राइट तो यहाँ पे हमने x फोर्स भी शो कर रखा है ठीक है अगर आप देखोगे तो इस स्प्रिंग फोर्स के दो कंपोनेंट्स भी हैं इनफैक्ट दो कंपोनेंट्स हैं एक अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड और दूसरा है परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ रॉड जो परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ रॉड है उसकी वजह से एक रिएक्शन फोर्स जनरेट होगा करेक्ट है ना यस रॉड है और इसके ऊपर ऐसे ये बीड लगा हुआ है ऐसे एक बीड लगा हुआ है ऐसे एक बीड लगा हुआ है अब कोई चीज अगर इसको यहाँ से सोचो ऐसे ये कॉन्टेक्ट में नहीं ऐसे सोचो अभी कोई चीज अगर इसको बाहर ऐसे पुश करेगी तो यहाँ कांटेक्ट आएगा ना इस बीड के साथ समझ आ रही है और अगर ये कांटेक्ट आएगा तो यहाँ से क्या करेगा कांटेक्ट फोर्स उसको पुश करेगा अंडरस्टूड सर आपका स्क्रीन वो बड़ा नहीं हो रहा मतलब ज़ूम नहीं हो रहा है दिख नहीं रहा मेरा स्क्रीन बड़ा नहीं हो रहा है तुमको मेरा स्क्रीन बड़ा क्यों चाहिए मैं दिख नहीं रहा तुमको मैं नहीं दिख रहा हाँ सर मैं ट्राई कर रहा हूँ बट वो मतलब आपका बड़ा नहीं आ रहा है बहुत छोटा सा अरे तुमको स्क्रीन बड़ा दिखना चाहिए वो मतलब जो डायग्राम वायग्राम बना रहा हूँ वो बड़ा दिखना चाहिए मेरा क्यों बड़ा दिखेगा तुमको तब तो तुमको मेरे को देखना है या डायग्राम को देखना है नहीं आप जो दिखा रहे थे वो समझ नहीं आया यस सर आई आल्सो अच्छा ठीक है मैं इसको थोड़ा सा कैमरा के पास लेके चला जाता हूँ फिर आपको समझ आएगा जैसे ये बीड है ये रॉड है हमारा ठीक है दिस इज द रॉड और यहाँ इमेजिन करो ये बीड है ठीक है ये बीड है अगर सोचो कि यहाँ से इस तरफ से कोई उसको पुश करेगा ऐसे पुश करेगा तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट बनेगा ना यहाँ पे देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नहीं बन रही है बन रही नहीं बन रही तो ये जो कॉन्टैक्ट बन रही है इसके अगेंस्ट तो एक फोर्स आएगा ना भाई यहाँ से एक पुशिंग फोर्स नहीं आएगा समझ आ रही है आपको आधी बात नॉर्मली क्या होता है नॉर्मली क्या होता है कि अगर ये वेट की वजह से ये नीचे लटके ऐसे रहेगा रेस्ट करेगा अगर ये नॉर्मल सिचुएशन में छोड़ देते तो ये रॉड होता और ये क्या होता है ऐसे रेस्ट कर रहा होता है समझ आ रही है तो कॉन्टैक्ट आपका यहाँ पे होता तो यहाँ से एक रिएक्शन फोर्स उसको मिलता जो उसके वेट को बैलेंस करता आपको बात समझ आ रही है क्या कह रहा हूँ मैं बट अभी क्या है इधर भी कोई पुश कर रहा है इधर भी कोई पुश कर रहा है तो यहाँ से भी तो कॉन्टैक्ट फोर्स जनरेट हुआ ना आ रही बात तो यहाँ से हमें क्या करना है एक नॉर्मल रिएक्शन भी शो करना है और वो नॉर्मल रिएक्शन आपका परपेंडिकुलर सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट होती है तो इसीलिए आपको वो चीज का ध्यान रखते हुए इसको शो करना है ठीक है तो रॉड का लेंथ आपको पता है तो इसीलिए उसके परपेंडिकुलर हमने शो किया है आई होप आपको समझ आ रही है डायग्राम Yes. इस डायग्राम में दो और फोर्सेस होंगे जो मेरे काम के नहीं है कौन कौन है वेट और जो वर्टिकल रिएक्शन आएगा राइट है ना इसमें तो देखो इसमें वेट तो नीचे की तरफ एक्ट कर रही होगी करेगी ना
और उस पर एक रिएक्शन फोर्स भी ऊपर की तरफ आएगा, नॉर्मल रिएक्शन जिसको हम कह रहे हैं, तो वो नॉर्मल रिएक्शन बट मेरे कोई काम का नहीं है क्योंकि वो वर्टिकल डायरेक्शन के है और हमको अभी जो मोशन एनालाइज कर रहे हैं वो कौन से प्लेन में एनालाइज कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन का एनालाइज कर रहे हैं, फ्रिक्शन वगैरह तो है नहीं, इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस से कोई मतलब नहीं है मुझे। तो इस डायग्राम में एक्चुअली अगर देखोगे तो एम जी अंदर की तरफ है, मतलब क्रॉस बना के दिखा दे रहे हैं क्योंकि वो एम जी अंदर की तरफ होगा, ये एम जी अंदर की तरफ है और साथ साथ में एक नॉर्मल रिएक्शन आपका बाहर की तरफ भी होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन आपका एक बाहर की तरफ भी होगा, इसको एक काम करते हैं इसको वर्टिकल रिएक्शन कह लेते हैं, ठीक है, एन वी लिख लेते हैं, ये वर्टिकल रिएक्शन है। आई होप आपको समझ आ रही है मैं डायग्राम में क्या शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। यस ठीक है, ये मेरे काम का नहीं है। अब आपको ये पता है कि अगर हम इसको रोटेटिंग फ्रेम से देख रहे हैं तो फिर इसके लिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आर रेडियस का एक सर्कल बन रहा होगा, ये चेक करो, सिंस ये हम इसको रोटेटिंग फ्रेम से सॉल्व कर रहे हैं तो रोटेटिंग फ्रेम से अगर सॉल्व करेंगे तो इस केस में क्या होना चाहिए, नेट फोर्सेस के ऊपर जीरो होना चाहिए, है ना, क्योंकि रोटेटिंग फ्रेम से तो आपको एक्सेलरेशन नहीं दिखेगा, तो किस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, आप बोलेंगे हर डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, जिस भी डायरेक्शन में आप देखना चाहते हो उस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं एंगल्स को मार्क करूँ, यहाँ पे ये एंगल को मैंने यहाँ पे थीटा मार्क किया, तो ऑब्वियसली ये जो सुडो फोर्स का जो लाइन दिखा रखा है, इस लाइन को इधर से मार्क कर लेते हैं, ये वाली जो एंगल आएगी ये एंगल भी आपकी थीटा ही रहेगी, तो इसके लिए हम सुडो फोर्स का एक कंपोनेंट लिख सकते हैं यहाँ से, दिस विल बी द सुडो फोर्स कॉस थीटा, और इधर से एक सुडो फोर्स की कंपोनेंट आएगी विच विल बी सुडो फोर्स की साइन थीटा कंपोनेंट हो जाएगी, करेक्ट है, करेक्ट है, यस। अब वैल्यूज को अगर यूज करें तो सिंस ये अब तो इक्विलिब्रियम पे अगर आ चुका है, मतलब कि इसका लेंथ चेंज नहीं हो रहा, स्प्रिंग का लेंथ चेंज नहीं हो रहा, स्प्रिंग का अगर लेंथ चेंज नहीं होगा तो ऑब्वियसली थीटा और आर दोनों ही फिक्स होंगे, तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर लिखेंगे आप तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा आपके पास, के टाइम्स ऑफ एक्स जो आपका स्प्रिंग फोर्स है दैट शुड बी इक्वल टू सुडो फोर्स का साइन थीटा, करेक्ट है। सुडोफोर्स की वैल्यू कितनी है, एम ओमेगा स्क्वायर इनटू आर और इसके साथ साइन थीटा वाला टर्म मल्टीप्लाई होएगा, ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज एम ओमेगा स्क्वायर और आर साइन थीटा वाला जो टर्म है वो कितना है, यहाँ पे देखो ये चेक करो, ये क्या होगा, सर नेचुरल लेंथ प्लस इलोंगेशन, यस सर, गुड, इसको हम लिख सकते हैं दिस इज एल प्लस एक्स, करेक्ट है, है ना, एल बीइंग द नेचुरल लेंथ, तो इसको लिख सकते हैं दिस इज एल प्लस एक्स हो गया। अब इसी को रीअरेंज करें क्योंकि अपने को तो एक्स चाहिए, तो इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं के माइनस ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स विल बी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इनटू एल, एंड आपको चाहिए था एक्स, तो एक्स की वैल्यू हो गई एम ओमेगा स्क्वायर एल बाय के माइनस ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप सबको समझ आ गई, क्लियर है, यस सर, ठीक है। उसने बोला था कि अगर रोटेशन का डायरेक्शन को उल्टा कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, बताइए क्या फर्क पड़ेगा, कॉम्प्रेस हो जाएगा, स्पीड कॉम्प्रेस हो जाएगा, कंप्रेशन हो गया, जस्ट जस्टिफाई करिए, वो जो एफ एक्ट करेगा वो तो बताइए बताइए, हाँ मैं सुनना चाहता हूँ, बताइए मैं सुनना चाह रहा हूँ, बताइए बताइए सर, ये तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन से इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल, सुडो फोर्स तो हमेशा बाहर की तरफ होगा, मतलब अगर मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा देता, मतलब अगर मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा देता सुडो फोर्स अंदर की तरफ कर देते हैं, ये आपकी इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं।
of radius r, the friction coefficient being, अच्छा ये capital R नहीं होगा, ये smaller होगा, this will be smaller, ठीक है? The friction coefficient being dependent only on the distance small r from center O of the plane as mu equal to mu naught into 1 minus of small r by capital R, where mu naught is a constant and capital R is the maximum radius in which it can move. Find the radius of circle at which the cyclist can move with maximum velocity. What is this maximum velocity? आप सोच के मुझे बस बताओ कि कैसे करना है, ठीक है? कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको. आपके दिमाग में जो भी चल रहा है वो मेरे साथ शेयर करिए. क्वेश्चन में आपको पता चल चुका है क्या है, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है बताइए कैसे करना चाहिए. सर्कुलर टर्न साइक्लिस्ट का ही हमने लास्ट क्लास में पढ़ा. सर वी कैन इक्वेट म्यू एमजी इक्वल टू एमवी स्क्वायर बाय आर. ओके. And then we can put the value of mu. We will get a relation in terms of dv by dr if we differentiate and then equate dv by dr to zero. बस ठीक है, तुम perfect है. आपको basically आपको ये पता है कि cyclist को circular turn करने के लिए जो उसको force provide करेगा centripetal force वो basically friction ही रहेगा. And friction का limiting value भी आपको पता है कितनी होती है, mu times of normal action which is mg होगी क्योंकि horizontal circular turn है. तो उस केस में म्यू की वैल्यू अगर वेरिएबल है तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन फोर्स भी आपका वेरिएबल आएगा. तो ये फ्रिक्शन फोर्स की वेरिएबल वैल्यू शुड बी इक्वल टू एमवी स्क्वायर बाय आर आप इक्वेट करोगे. तो यहाँ पे आपको वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस आर मिल जाएगी. जैसे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस आर मिल चुकी है उसके बाद तो बस मैक्सिमम मिनिमम का कांसेप्ट है. डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वल टू जीरो करेंगे. ठीक है बेटा, ये बिल्कुल सही है, आपका लॉजिक बिल्कुल सही था. तो इसमें वही काम हम कर रहे हैं. व्हाट वी डू इज कि हम ऐसा एक सर्कुलर ट्रैक दिखा देते हैं. मान लेते हैं ये सर्कुलर ट्रैक है हमारे लिए एंड इसमें हमें क्या करना है, किसी एक लोकेशन पे हमें सर्कुलर टर्न उसको लेना है. मैक्सिमम रेडियस उसने कैपिटल आर कह रखा है तो हमको तो मैक्सिमम रेडियस पे नहीं घुमाना है, हम किसी एक आर्बिट्री रेडियस पे घुमा रहे हैं. हमको पता नहीं कितने रेडियस पे घुमाना है इसलिए मैं इसको एक वेरिएबल डिस्टेंस पे ले रहा हूँ. तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि साइक्लिस्ट अगर चल रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी अगर वी होगी, अगर इसकी वेलोसिटी वी है तो पक्का है उसको सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन चाहिए. कितने का? v स्क्वायर बाय r का चाहिए. इट रिक्वायर्स अ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन और वो उसको कौन प्रोवाइड करेगा? फ्रिक्शन ही प्रोवाइड करेगा. सो फ्रिक्शन की वैल्यू आप सेंटर की तरफ दिखाएंगे और ये पक्का है लिमिटिंग वैल्यू होगा जब आप v की वैल्यू को मैक्सिमम लेंगे. ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा. तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आप क्या लिखोगे? दिस विल बी इक्वल टू m * v स्क्वायर बाय r किया और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा? म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन व्हिच इज mg किया एंड दैट इज कम आउट टू बी एम वी स्क्वायर बाई आर हो गया. यहाँ से एम गेट्स कैंसिल आउट और वैल्यू आपको जो मिल रही है वी स्क्वायर की जो वैल्यू मिल रही है दिस इज कमिंग आउट टू बी म्यू का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. म्यू नॉट इनटू 1 माइनस ऑफ स्मॉल आर बाय कैपिटल आर. सो म्यू नॉट इनटू 1 माइनस ऑफ स्मॉल आर ओवर कैपिटल आर एंड इसके साथ आर और मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो इसके एक काम करते हैं यहाँ पे आर अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो आर माइनस ऑफ आर स्क्वायर बाय आर एंड इनटू जी. ये आपके पास वी स्क्वायर का एक्सप्रेशन हो गया. सो देयरफॉर फॉर वी मैक्स आपको क्या करना है? डिफरेंशिएट एन इक्वल टू जीरो. सो डी वी स्क्वायर बाई डी आर इक्वल टू जीरो कर लेंगे. सो यहाँ से आपके पास आएगा 1 माइनस ऑफ 2 आर बाई कैपिटल आर. दिस शुड बी इक्वल टू जीरो. सो स्मॉल आर की वैल्यू आ रही है कैपिटल आर बाई 2. सो कैपिटल आर बाई 2 डिस्टेंस पे बेसिकली क्या करना पड़ेगा? उसको सर्कुलर टर्न को लेना पड़ेगा. वंस यू हैव गॉट दिस तो अब आप मैक्सिमम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं. सो वी मैक्स की जो वैल्यू आएगी दिस विल बी रूट अंडर ऑफ म्यू नॉट इंटू by 2 minus of r by 4 मतलब r by 4 ही आएगा. so mu naught into g r over 4 हो जाएगा. ये final answer हो गया. ये easy question था, ये difficult question नहीं था. बस इसमें एक ही concept का आपको समझ में आना चाहिए था कि friction ही अकेला एक force है जो उसको centripetal acceleration provide कर रहा है. बस इतना अगर आपको पता था तो आप आराम से कर सकते थे. I hope इसमें किसी को कोई confusion नहीं है. आगे बढ़े. yes sir. ठीक है. ये क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट मानूंगा क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चंस यूजुअली टैकल नहीं करते. डायग्राम देखो, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन में क्या है. अ चेन ऑफ मास m फॉर्मिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r इज स्लिप्ड ऑन अ स्मूथ राउंड कोन विद हाफ एंगल थीटा. मतलब ये हाफ एंगल मतलब ये वाली एंगल थीटा दे रखी है. ठीक है, और स्लिप्ड मतलब क्या है कि उसको उसके अंदर डाल दिया है. स्लिप्ड का मतलब ये नहीं स्लिप कर रहा है, स्लिप्ड का मतलब है कि उसके अंदर डाल दिया. इट इज स्लिप्ड इनसाइड इट, वैसे बोलते हैं. It is slipped over the cone.
उसके बाद उसने कह रखा था फाइंड द टेंशन ऑफ द चेन इफ इट रोटेट्स विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस एज शोन. मतलब इस चेन को इस कोन के सर्कमफेरेंस पे, मतलब चेन के ऊपर जो चेन को हम क्या कर रहे हैं, इस कोन के ऊपर डाल दिया और उसके बाद उसको डालने के बाद ऐसे ऐसे स्पिन किया जा रहा है और स्पिन करने के बाद उसकी टेंशन कितनी जनरेट होगी उस चेन में, आपको ये फाइंड करने का है. ठीक है, अब कभी भी आपको कोई भी सर्कुलर यू नो चेन या रोप दिखता है और उसमें अगर टेंशन फाइंड करना होता है, उसका स्ट्रैटेजी ऑलमोस्ट फिक्स है. ऑलमोस्ट स्ट्रैटेजी फिक्स है, स्ट्रैटेजी हमेशा एक ही रहेगा, बट ये अलग अलग जगह आपको मिलता रहेगा. मैं आपको बताता हूँ उसमें करना क्या है. आपको व्हाट इज सपोज टू डू इज कि जैसे इसका एक बार टॉप व्यू देखो कि आपको कैसा दिखने वाला है. इस क्वेश्चन में इसका टॉप व्यू देखते हैं. ठीक है, मैं जस्ट उसका टॉप व्यू ड्रॉ करूंगा. ठीक है, आपको इसका थोड़ा सा रियलाइजेशन होगा कि क्यों कर रहे हैं. टॉप व्यू में देखोगे तो आपको रोप कुछ ऐसा दिखने वाला है, एकदम बिल्कुल सर्कल. ये आपका सर्कल दिखता है. ठीक है, एंड आपको पता है कि ये जो रोप है आपके लिए, ये आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ये स्पिन कर रहा है. इसकी रेडियस भी उसने दे रखी है, सो दिस रेडियस इज आर. अब अपने क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे इसका टेंशन निकाला, देखो कोई भी स्ट्रिंग का अगर आपको टेंशन निकाला है तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, उसका मतलब बीच से काट के कहीं पे आप उसको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे, तभी तो आप उसका टेंशन फाइंड करोगे. तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम इसका एक छोटा सा सेक्शन कंसिडर करें. वी आर कंसिडरिंग अ वेरी स्मॉल सेक्शन ऑफ इट. आप ये इमेजिन करो कि बहुत ही छोटा सा एक सेक्शन कंसिडर किया जा रहा है. ये जितना छोटा आप इमेजिन कर सकते हो उतना छोटा है. बस डायग्राम में इसलिए बना रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा क्योंकि उसमें मुझे डायग्राम में फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा. ठीक है, तो मैं डायग्राम में ये मार्क कर रहा हूँ, ये थीटा एंगल है, बट मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि थीटा इज टेंडिंग टू जीरो. ठीक है, थीटा इज टेंडिंग टू जीरो डिग्री. ठीक है, इक्वल टू जीरो नहीं लिख रहा हूँ, दिस इज टेंडिंग टू जीरो डिग्री. मतलब थीटा वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल थीटा. क्यों ले रहे हैं वो भी आपको समझ आएगा थोड़ी देर में, आपका कैलकुलेशन से समझ आएगा. स्ट्रेटेजी ऑलमोस्ट फिक्स है टेंशन निकालने का, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे. तो अगर मैं बोलता आपसे कि सिर्फ और सिर्फ ये जो छोटा सा सेक्शन दिख रहा है थीटा एंगल के अंदर, वो जो छोटा सा सेक्शन दिख रहा है उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो आप, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करता सिर्फ इस सेक्शन का, ये वाले सेक्शन का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है, ये वाले सेक्शन का, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करके अलग से ड्रॉ कर रहा हूं. सो सिचुएशन कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, इधर से ये लाइन और जैसे ये लाइन दिखेगी. मैं थोड़ा सा बड़ा जानबूझ के बना रहा हूँ ताकि आप इसमें सारी मार्किंग्स अच्छे से कर पाए. और यहाँ पे हमारा वो स्ट्रिंग है जो ऐसा एक आर्क फॉर्म कर रहा है. ये अपना सर्कुलर आर्क है. अगर मैं यहाँ से बीच से एक लाइन खींचता हूँ, यहाँ से बीच से एक लाइन खींचता हूँ, ये उसको बाइसेक्ट कर रहा है. इस एंगल को मैं इधर से मार्क कर सकता हूँ, दिस विल बी थीटा बाय 2, और इधर से भी मार्क कर सकता हूँ, दिस विल बी थीटा बाय 2. टेंशन तो अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होती है, तो टेंशन अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अगर मार्क करें तो रेडियल लाइन से परपेंडिकुलर आएगी. तो इधर से टेंशन मैंने टी मार्क किया और इधर से भी टेंशन को टी मार्क कर रहे हैं. सिमेट्री देख के, मतलब टेंशन तो हर जगह अलग नहीं हो सकता, सर्कुलर रिंग है और हर जगह टेंशन आपको सेम ही मिलेगा. तो यहाँ पे भी टेंशन मैंने टी मार्क किया. आपको दिख रही है चीज? ठीक है, क्लियरली दिख रही है. अभी आप ये चेक करो, यहां से अगर मैं एक लाइन खींचता हूं और यहां से एक लाइन खींचता हूं, आप ये चेक करो, ये वाली एंगल आपकी थीटा बाई टू होगी और ये वाली एंगल भी थीटा बाई टू होगी. देखो, चेक करो, कन्विंस हैं आप? यस. तो टेंशन का इस लाइन के साथ जो एंगल होगा, इधर का एंगल, ये भी थीटा बाई टू होगा. ये वाली एंगल आपकी वापस से थीटा बाई टू होगी. तो टेंशन का इधर का जो कॉम्पोनेंट होगा वो टी कॉस थीटा बाई टू होगा और इधर का जो टेंशन का कॉम्पोनेंट होगा वो टी साइन थीटा बाई टू होगा. करेक्ट है? यस सर. सिमिलर तरीके से यहाँ पे भी ब्रेक कर सकते हैं. तो इधर से भी मैं डायरेक्टली इधर बिना एंगल को मार्क किए, इधर होगा टी कॉस थीटा बाई टू और इधर होगा टी साइन थीटा बाई टू. करेक्ट है? अब ये चेक करो, टी कॉस थीटा बाई टू वाला जो टर्म है वो दोनों आपस में वेक्टोरली कैंसिल आउट हो रहे हैं. दिख रही है आपको? यस. ये वाली टर्म और ये वाली टर्म देखो, वेक्टोरली कैंसिल आउट हो गई है. बचा क्या आपका? टी साइन थीटा बाई टू दोनों बचा है. तो अगर आप देखोगे तो अगर
ये एंगल तो एक्चुअली बहुत बड़ा मैंने ड्रॉ किया है, बट ये एंगल को जैसे जैसे आप छोटा करते जाओगे आपको रियलाइजेशन होगा कि ये टी साइन थीटा बाई टू वाला जो मैंने कॉम्पोनेंट दिखा रखा है एक्चुअली सेंटर की तरफ ही होगा। आपको रियलाइजेशन हो रही है? टी साइन थीटा बाई टू जो एंगल है, मतलब जो कॉम्पोनेंट दिखा रखा है, वो टुवर्ड्स द सेंटर ही है। समझ आ रही है? Yes. आप थीटा को जीरो को टेंड करो, आपको समझ में आ जाएगा। आप सोचो कि थीटा अगर जीरो होता तो क्या होता, तो ये वाले दोनों एंड आपके एकदम स्क्वीज इन होकर यहाँ आ जाते और फिर वो तो टुवर्ड्स द सेंटर ही हो जाता। आपको बात समझ आ रही है? Yes. मतलब दीज टू कॉम्पोनेंट्स आर एक्चुअली डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है? मतलब ये चीज आप समझ सकते हैं। और ये दोनों कॉम्पोनेंट अगर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर है तो इसकी वेक्टर सम, मतलब जो सम आएगी वो टी साइन थीटा बाई टू, टू टी साइन थीटा बाई टू आएगी। सो नेट फोर्स ऑफ नेट टेंशन टुवर्ड्स द सेंटर, अगर मैं बोलूँ नेट टेंशन टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, ये आ रही है आपके पास टू टी इंटू साइन ऑफ थीटा बाई टू। आपको याद है कि एंगल थीटा छोटा लिया था या बड़ा लिया था हमने? छोटा एंगल के लिए साइन थीटा की वैल्यू को क्या होगा? थीटा, थीटा बाय 2, अप्रोक्सीमेटली 2t into थीटा बाय 2 लिख सकते हैं। ये 2t तो गया, क्या बचा हमारे पास? t into थीटा, राइट? ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप याद रखिएगा, ठीक है? नेक्स्ट टाइम से आपको डेरिवेशन में मेहनत ना करना पड़े कि अगर एक सर्कुलर लूप है और उसमें किसी तरह से भी आपने टेंशन जनरेट किया। देखो अभी तक हमने कॉज ऑफ टेंशन नहीं ढूंढा है, अभी तक हमने कॉज ऑफ टेंशन की बात ही नहीं करी कि टेंशन क्यों आ रहा है, या टेंशन की हमने बात नहीं करी। बस मैं ये बोल रहा हूँ आपको, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि कभी भी अगर स्ट्रिंग में, सर्कुलर स्ट्रिंग में टेंशन जनरेट हो गई है तो कोई भी एक छोटा सा सेगमेंट लोगे तो उसमें अगर टेंशन दोनों तरफ आपने टी दिखा रखा है और वो जो सेगमेंट है वो अगर सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है तो उस केस में सेंटर की तरफ जो टेंशन आएगी वो टी थीटा आएगी, ठीक है? नेक्स्ट टाइम से मुझे इसको डिराइव नहीं करना पड़ेगा, आप ये याद रखिएगा प्लीज, ठीक है? तो सेंटर की तरफ आपका टेंशन हो गया टी थीटा। अब ये टी थीटा ऑब्वियसली अगर इस स्ट्रिंग के पास कोई एलिमेंट है, मतलब कोई भी अगर मतलब एलिमेंट है और ये एलिमेंट के पास अगर कोई भी एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन तो सारे फोर्सेस के वेक्टर सम से आते हैं, तो जो भी फोर्सेस इसमें लग रही होंगे, जो भी फोर्सेस लग रहे होंगे उसमें नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर में देखूंगा कितना आ रहा है, और जो भी फोर्स आपका नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर आएगा दैट फोर्स वुड बी इक्वल टू क्या करेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन लिख लेंगे। क्या आपको लॉजिक समझ आया क्या बोला मैंने? ठीक है, अब यही पार्ट को मैं लास्ट में फाइनली एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, सब एक बार चेक कर लेते, ठीक है? मैंने क्या किया यहाँ पे, देखो इसमें जो मैंने फ्री बॉडी डायग्राम में जो दिखा रखा था उसको मैं यहाँ पे एक बार थोड़ा शो करता हूँ कि ये थीटा का जो एलिमेंट शो किया था ना मैंने, वो यहाँ शो किया था, ठीक है? दिस वॉज थीटा ओवर हियर। अच्छा, ओहो, थीटा तो उसने सेमी वर्टिकल एंगल वाला दिया हुआ था ना। अच्छा, एक काम करते हैं, सेमी वर्टिकल एंगल वाला ही चेंज कर देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत जगह चेंज करना पड़ेगा। मैं सेमी वर्टिकल एंगल जो है उसको थीटा नहीं लेके उसको कुछ एक अल्फा ले रहा हूँ, ठीक है? अल्फा ले रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर उधर बहुत ज्यादा मुझे मिटाना पड़ेगा। आई होप आपको समझ आ रहा है मैंने एंगल क्यों चेंज किया, ठीक है? हाँ, तो यहाँ पे मैंने, ठीक है, अभी यहाँ पे ये वाली एंगल को मैंने थीटा मार्क कर रखा था, दिस थीटा वाज वेरी स्मॉल। तो सोचो यहाँ पे जो छोटी सी एलिमेंट है, यहाँ पे जो छोटी सी एलिमेंट आपको दिख रही है, ये जो छोटी सी एलिमेंट है, ये छोटी सी एलिमेंट आपकी कहाँ पे रेस्ट कर रही है? एक कोन के स्लांट सर्फेस पे रेस्ट कर रही है। कोन के स्लांट सर्फेस पे मतलब एक इंक्लाइन प्लेन पे रेस्ट करने के जैसा है। इंक्लाइन प्लेन पे अगर कोई भी मास आपने दिखा रखा है तो उसका एक वेट भी तो आएगा, उस पर नॉर्मल रिएक्शन भी तो आएगा ना, आएगा नहीं आएगा? आएगा, यस सर। इसके लिए ये जो छोटी सी एलिमेंट मैंने शो कर रखी है, इस छोटी सी एलिमेंट के लिए अगर मुझे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना होता तो हम क्या करते, यहाँ से एक फोर्स दिखाते डीएम इंटू जी। डीएम क्यों लिखा हमने? वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल एलिमेंट, ठीक है? क्योंकि हम उस छोटे से एलिमेंट का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द दैट स्ट्रिंग। हाँ, हम पूरे का एक साथ बना भी नहीं सकते, पूरे का एक साथ नहीं बना सकते, क्योंकि पूरे का एक साथ बनाएंगे तो फिर उसके इसमें नॉर्मल रिएक्शन हर जगह से ऐसे ऐसे करके स्प्रेड आउट होकर मिल रहा होगा, एक डायरेक्शन में मिल नहीं रहा है, तो हमको तो उसका वेक्टर सम निकालना पड़ेगा, ठीक है? तो वो तरीका हम नहीं कर रहे हैं। मैंने इस पे क्या किया, यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन भी दिखा रहे हैं जो कि परपेंडिकुलर टू सर्फेस ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, तो इसके साथ परपेंडिकुलर है ये, इसको मैंने डी एन शो किया है। डी एन क्यों शो किया? क्योंकि वो छोटे से एलिमेंट पे जो लग रही है उसको डी एन शो कर रहे हैं, हम पूरे रोप पे जो लग रही है उसको हमने नहीं शो कर रखा है। और जो टेंशन लग रही थी वो तो इस डायग्राम में क्लियर है, उस डायग्राम में मैं शो नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब ये कोन वाले डायग्राम में शो नहीं कर रहा हूँ, बट ये ध्यान रखिएगा कि है उस पे। और अभी अगर मैं इनमें कंपोनेंट्स ब्रेक करूँ, अभी चेक करो, ये एंगल अल्फा है तो ऑब्वियसली नॉर्मल रिएक्शन का इधर से एंगल अल्फा होगा, तो डी एन का जो कॉम्पोनेंट आएगा अवे फ्रॉम दी सेंटर वो आएगा डी एन इंटू कॉस अल्फा आएगा, और ऊपर की तरफ जो आएगा वो आएगा डी एन इंटू साइन अल्फा आएगा, करेक्ट है? और जो सेंटर की तरफ इसके पास एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि ऑब्वियसली एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो इसके पास सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन आएगा, और वो एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए आपके पास?
ओमेगा स्क्वायर इनटू आर का होना चाहिए, करेक्ट है? ये आर शायद कैपलर हुआ था, एक बार चेक करते हैं, ना कैपलर दिया हुआ था, ओमेगा स्क्वायर इनटू आर कैपलर था, एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो अभी अगर आप देखोगे तो इस डायग्राम में जो राइट हैंड साइड वाला एक्सट्रीम राइट डायग्राम है उसमें मुझे क्या इंक्लूड करना चाहिए, बाहर की तरफ एक डी एन कॉस अल्फा, क्या ये सही दिखा रहा हूं मैं? चेक करो डी एन कॉस अल्फा सही दिखा रहा है, ठीक है? और इस एलिमेंट के पास सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन होना चाहिए कितने का, ओमेगा स्क्वायर आर। देखो तो डायग्राम आपको समझ आ रहा है, पूरा कन्वर्ट हो गया डायग्राम? यस। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या ये एलिमेंट, जो एलिमेंट हमने शो कर रखा है, क्या वर्टिकल डायरेक्शन में वो एक्सेलरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है? वर्टिकल डायरेक्शन में क्या वो एक्सेलरेट कर रहा है? वो तो हॉरिजॉन्टली ऐसे 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 चक्कर काट रहा है। नहीं सर। तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम पे है, और वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम पे इसका मतलब क्या कंडीशन लिखेंगे, वर्टिकल इक्विलिब्रियम का कंडीशन लिख रहे हैं, ठीक है? तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होना चाहिए आपके पास, द कंडीशन शुड बी डी एन साइन अल्फा शुड बी इक्वल टू डी एम इंटू जी, ठीक है? ये आपकी पहली कंडीशन आप बोल सकते हैं, ठीक है? और दूसरी कंडीशन अब आप हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन के लिए लिख रहे हैं, ठीक है? सो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का भी इक्वेशन लिख रहे हैं, सो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, एफ नेट टुवर्ड्स सेंटर शुड बी इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें, सो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज टी इंटू थीटा टुवर्ड्स द सेंटर है, n plus sorry minus minus of dn cos alpha, dn cos alpha that should be equal to, अच्छा ये dm होगा, ठीक है ना? ये dm होगा, m into ac जो लिखा उसको dm into ac लिख दीजिएगा, this will be dm multiplied by centripetal acceleration which is omega square into r। चेक करो कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, कोई कंफ्यूजन हो रही है किसी को? नो सर। कैन यू शो द fbd वंस? देखिए चेक करिए, ओके सर, ओके सर। अब वैल्यूज को बस रीयूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे टी इंटू थीटा तो है, डी एन की वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ डी एम, ठीक है? तो डी एन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डी एम इज डी एम इंटू जी डिवाइडेड बाई साइन अल्फा, सो दिस बिकम्स कॉट ऑफ अल्फा एंड दैट विल बी इक्वल टू डी एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अब डीएम वाले टर्म को मैं आरएचएस में लेके चले जा रहा हूँ, तो टेंशन इनटू थीटा विल बी इक्वल टू डीएम इनटू ओमेगा स्क्वायर आर प्लस जी कॉट ऑफ अल्फा, ठीक है? अब डीएम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, डीएम विल बी मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ कैसे निकालेंगे, एम बाई टू पाई आर कर लिया एंड दैट मल्टीप्लाइड विद उसका लेंथ विच इज आर इंटू थीटा। देखो आपको समझ आया क्या डीएम की वैल्यू हमने कैसे निकाली है, क्या आपको समझ आया डीएम का वैल्यू हमने कैसे निकाला? यस सर। सबको समझ आ रही है, एक बार प्लीज कंफर्म करें, ठीक है? यहाँ थीटा आपका एलिमिनेट हो गया और चेक करो आपके पास वैल्यू आ गई, सो टेंशन इज कमिंग आउट ऑफ बी एम बाई टू पाई दैट मल्टीप्लाइड विद ओमेगा स्क्वायर आर प्लस जी टैन ऑफ अल्फा, ये फाइनल आंसर हो गई, ठीक है? इस क्वेश्चन में अगर अरे रे गलती से हो गया बेटा, ज्यादा कुछ मेरा मिस्टेक, पोर्टल पर, ठीक है? अभी अगर आप देखोगे तो इसमें सपोजली इसमें अगर मान लेते ओमेगा नहीं दिया होता, ओमेगा नहीं दिया होता तो ओमेगा से जो रिलेटेड मैंने कैलकुलेशन किया बस वो एलिमिनेट होता, राइट? बाकी सब तो होता ना, राइट? जैसे मैंने बोला सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है, वो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन नहीं होता, बाकी का कैलकुलेशन वही रहता, तो इसमें बस ओमेगा वाला टर्म को जीरो कर दो अपने आप आंसर आ जाता है, तो mg cot अल्फा by 2 pi आंसर हो जाता है। समझ आई सभी को? यस ठीक है, by 2 pi सर, आप बोले 2 by 2 pi है, by 2 pi। Okay, अभी तो 5 मिनट ही बचा है, अभी कोई भी क्वेश्चन को हाथ लगाएंगे तो कम से कम 10 मिनट से तो 15 मिनट लगेगा और फिर आपकी बैटरी डिस्चार्ज दिखती है अभी, इसलिए आगे फर्दर नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ओके, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी ले रखे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी उस क्वेश्चन को ट्राई करिए, जो जेईई एडवांस के लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ट्राई करिए, और नेक्स्ट सैटरडे को हम वापस से जेईई एडवांस का ही क्लास लेंगे, तो उसमें मैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो उसमें क्या है, एटलीस्ट जो आज जो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइम दे रहा था वो टाइम आपको उस दिन तो देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने इस वीक में ऑब्वियसली उनको ट्राई कर लिया होगा और उसके बाद फिर उस दिन सिर्फ आप मेरा अटेम्प्ट देखेंगे, तो इस दिन हम ज्यादा क्वेश्चंस को कवर कर पाएंगे, ठीक है? ठीक है,
Yes, sir. Excuse me.